after the coordinate system, next in 3D is the straight line in space, right? तो वो है और initial first line होती है जबकि एक point given होता है and one vector is given, right? तो हम ये चीज जाने कि in whole three dimensional coordinate geometry सारी चीजें दो form में चलती हैं, जैसे straight line है. Everything goes into the two parts that you have to make the means first is the vector form. कोई भी equation आप बनाएंगे तो then you require the equation in vector form and second one is in cartesian form. किसी भी तरह की चीज हो you require in two formats. उसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को बनाएंगे या जो भी कुछ है डिस्टेंस है दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस है एवरीथिंग. सो दैट इज इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म. तो पहले हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर एंड दिस इज द पोजिशन वेक्टर एंड पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर. तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे बी डैश रख रहा हूं मैं और जो पोजिशन ये गिवन है पॉइंट उसको हम ए डैश लिख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा क्लैश करेगा सारी बातें ध्यान आगे हम डिस्कस करते हैं इसको कैसे पॉइंट क्या रहेगा. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन. वेक्टर फॉर्म में ऐसा है वी हैव टू क्रिएट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ए डैश लिख दिया इसको ठीक है. सो ये एक पॉइंट गिवन होगा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं दैट पॉइंट इज अ लेट्स से दिस पॉइंट इज अ ए डैश वेक्टर. सो दैट पॉइंट इज अ एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप. दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस पैरेलल वेक्टर. और बी डैश को नॉर्मली जो बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर ही बोलते हैं दैट इज द पैरेलल वेक्टर एंड दिस पैरेलल वेक्टर इज बी डैश इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप. तो देखिए जो पैरेलल वेक्टर है पूरी थ्री डी में फिक्स है. पैरेलल वेक्टर इसी नोटेशन से चलता है और एबीसी हम जानते हैं कि डीआरस होते हैं. तो ये जो है कोई भी जो वेक्टर है उसके डीआरस है उसके डायरेक्शन रेशियोज दिखा रहा है. तो दिस इज फिक्स्ड. ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये नोटेशन हम यही लेने वाले हैं दैट इज द ए आई प्लस बी जे प्लस सी के राइट. तो जो पैरेलल वेक्टर होगा ये उसके डीआरस भी है. एबीसी जो है दीज आर ऑल्सो नोन एज द डायरेक्शन रेशियोज. कोई भी पैरेलल वेक्टर है नोटेशन सेम चलने वाला है राइट. तो देखिए लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी लेट्स से दिस इज द गिवन पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज द ए वेक्टर इज गिवन ऑन द लाइन एंड वी हैव टू टेक द वन पॉइंट ऑन द लाइन. एक पॉइंट हमें लेना पड़ता है. पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कि हम एक जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई लेते हैं तो उसके थ्रू उस इक्वेशन को क्रिएट करते हैं जिसका वो लोकस है. तो लाइन में भी थ्री डी में भी हमें एक जनरल वेक्टर लेना पड़ेगा दैट इज द आर वेक्टर राइट. वेक्टर में एंड व्हाट इज देयर दिस लाइन ये वेक्टर कहीं पे भी जा सकता है. वी रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन राइट. इस चीज को आप यहां लिख दीजिए दिस इज द ए वेक्टर ए डैश कर देते हैं राइट. एंड इट इज पैरेलल टू द वन पैरेलल वेक्टर इज गिवन दिस इज द बी डैश वेक्टर. और बी डैश ये पैरेलल वेक्टर है इसके लाइन पैरेलल है एंड दिस इज गिवन बाय द ए आई प्लस बी जे प्लस सी के राइट. ये उसके पैरेलल लाइन गिवन है. तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि ये लाइन है रिक्वायर्ड लाइन यही होगा रिक्वायर्ड लाइन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस पैरेलल वेक्टर. पैरेलल मतलब ये वेक्टर है जो कि उसके गिवन लाइन के पैरेलल है. सो एस यू हैव टू राइट द एपी एपी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. रीजन क्योंकि जो लाइन क्रिएट करेंगे एपी और पी आर इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. कोई भी जनरल पॉइंट उस पर होगा तो इस तरह से लिखा जा सकता है एपी मीन्स द पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. सो दैट इज द आर माइनस ए इक्वल्स टू लैमडा बी और या लिख लेते हैं इसको आर इक्वल्स टू ए प्लस लैमडा बी. सो दिस इज द इक्वेशन
इन वेक्टर फॉर्म, और इसको इसी तरह से लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे आपकी जो पॉइंट है इसको हम ए डैश से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये वाला ए और ये इसके पैरेलल वेक्टर का ए, ये आपस में क्लैश नहीं करे क्योंकि ये गिवन पॉइंट होता है। ए डैश वेक्टर लिख रहे हैं, दैट इज द एक्स वन आई कैप वाई वन जी कैप प्लस जेड वन के कैप, ये इट इज अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन, राइट, एंड दिस इज द पैरेलल वेक्टर। तो आर जो है, देखिए ये कुछ चीजें फिक्स है कि जो अगर आर वेक्टर लिखोगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखना पड़ेगा, और इसके बाद में जो भी पैरेलल वेक्टर लिखेंगे उसको बी डैश कर दे रहे हैं जिससे क्लैश नहीं करें। बी डैश और यहाँ वाला बी ये अलग अलग है इसलिए इसको पैरेलल वेक्टर को बी डैश लिख रहे हैं, एंड दैट इज द ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये फिक्स नोटेशंस हैं, ये हमेशा आगे वैसे ही चलने वाले हैं, पूरे 3D में आपको ऐसे ही लिखने का, राइट। तो ये नोटेशन की बात हो गई और ये लाइन आ गई आपकी। ठीक है, अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पर्टिकुलर लाइन है ये जहां ये आर रिप्रेजेंट कर रही है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेंगे तो भी यही है, आर इक्वल्स टू ए डैश प्लस लेमडा बी डैश है, दिस इज द लाइन। एंड दिस ऑल्सो वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट और ये बताता है इज दैट इट इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, क्योंकि ये आर जनरल वैक्टर से शो हो रहा है, दैट इज शोन बाय द आर वैक्टर, तो आर का मतलब जनरल पॉइंट हुआ, तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। कोई भी पॉइंट है ऑन द लाइन उसके पोजिशन वैक्टर को भी इंडिकेट करता है, उसी बात को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को दूसरे तरह से कहने का तरीका है। तो जब लैंग्वेज ये वाली यूज करे सेकेंड वाली तो भी आप ध्यान रखें कि वो स्ट्रेट लाइन ही बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। सो इट इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आ जाते हैं, इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म पे आ जाते हैं, और मैं ये वाली चीजें परमानेंटली यहाँ लिख दूँ, दिस इज द ए डैश गिवन पॉइंट, वो हमेशा यही चलेगा, पूरी 3D में यही चलाना है, एक्स वन वाई वन जेड वन के कैप गिवन पॉइंट होगा ये, और बी डैश पैरेलल वेक्टर होगा तो उसको आप ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से ही लिखने वाले हैं, और यहाँ पे अगर इसके पैरेलल वेक्टर्स के डी आर अगर बोले जाएं तो आप लिख देना डायरेक्टली ए बी सी, और दूसरा जो जनरल वेक्टर है वो आप हमेशा इसी से चलाओगे, दैट इज द एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड देन इट विल बी वेरी इजी टू कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे में बहुत इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लाइन की इक्वेशन हमने लिखी थी, नाउ कम्स द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इसी को ये पॉइंट दे देगा, पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एंड पैरेलल टू लाइन हुज डी आर आर ए बी सी, मतलब ये एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसके डी आर गिवन हो, तो इसको वेक्टर फॉर्म से ही प्रूव करते हैं, एज आर इक्वल्स टू ए डैश प्लस लेमडा बी डैश यूज कर रहे हैं, और इसमें वैल्यू प्लेस कर दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर की वैल्यू ये रही आपकी, दैट इज द एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इक्वल्स टू, और जो गिवन वेक्टर होता है ये आ जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर ये हुआ जिसके डी आर से, तो वो हम यहीं पे लिख रहे हैं इसको एज इट इज, उसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, राइट। सो दिस इज द ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये भी कंप्लीट हुआ, देन यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू कंपेयर, सो कंपेयरिंग द कॉफिशियंट ऑफ आई जे के, सो एक्स इक्वल्स टू
एक्स इक्वल्स टू एक्स वन प्लस लेमडा आई, एक्स वन प्लस लेमडा आई, वाई इक्वल्स टू वाई वन प्लस लेमडा बी हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू जेड वन प्लस लेमडा सी हो जाएगा, लेमडा सी हो जाएगा। देखिए लेमडा बी फिर लेमडा सी आएगा, और इसको आप सबको लेमडा की वैल्यू लिखनी है, तो आप ऐसा करेंगे एक्स माइनस एक्स वन बाय ए ले लेंगे, राइट, दिस इज वैल्यू ऑफ लेमडा, को इक्वेट करेंगे इसकी लेमडा की वैल्यू से, सो वाई माइनस वाई वन बाय बी लिख देंगे, इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय सी लिखेंगे, इक्वल्स टू लेमडा। सो दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये आती है, राइट, जिस पे कि ये जो पॉइंट गिवन पॉइंट होता है, ध्यान रखें इस जगह होता है एक्स वन वाई वन जेड वन, गिवन पॉइंट ये हुआ, राइट, और पैरेलल वेक्टर जिसके DRs दिए हुए हैं वो आप नीचे लिख सकते हो। नाउ अगर पैरेलल वेक्टर के DCs भी गिवन है तो DCs को भी DRs की तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब जो DRs हैं वो तो ठीक है, तो DCs भी तो DR हो गया, DCs ऑल्सो DR, इफ यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय वन 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 टू DCs LMN, सो दे बिकम्स DR, सो इट एक्ट्स एज ए DR ऑल्सो। सो ऑल्सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर कभी इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइन जो है उसके DCs न दे करके DRs न दे करके DCs दे रहा हूँ, तो DCs भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ऑल्सो ऐसा भी लिख सकता है एक्स माइनस एक्स वन बाय एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय एन, ये मतलब दूसरी अदर सिचुएशन में ऐसा दे रखा हो, पैरेलल वेक्टर के DCs दे रखे हो तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज हम निकाल सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, तो वो कभी रिक्वायरमेंट होती है और वो जनरल पॉइंट निकालना पड़ता है उस पॉइंट के अबाउट, उसकी डिस्टेंस या और कोई कंडीशंस वो यूज करता है, तो उस पर अगर कोई भी जनरल पॉइंट निकालना हो तो यहाँ से निकलेगा, उसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए सो वी कैन राइट द एनी जनरल पॉइंट, देखिए ये लाइन लिखी हुई है, एंड एनी एनी पॉइंट ऑन लाइन बी, कोई भी पॉइंट यदि आपको निकालना है तो ये निकलेगा जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, वो निकालने का, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इक्वल्स टू ए लैम्डा, सो एक्स वन प्लस ए लैम्डा, एक्स की वैल्यू चाहिए एनी पॉइंट ऑन द लाइन, सो दैट पॉइंट इज द एक्स वन प्लस ए लैम्डा, सिमिलरली हो जाएगा वाई वन प्लस बी लैम्डा, राइट, एंड जेड वन प्लस सी लैम्डा, दिस इज द एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, सो बाय यूजिंग द जनरल पॉइंट वो कंडीशन देता है कि इफ फ्रॉम एनी पॉइंट द डिस्टेंस इज सो एंड सो, सो फाइंड आउट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन, तो डिस्टेंस दे रखी हो और दूसरी चीजें पूछो, तो अब आप उस जनरल पॉइंट को निकालेंगे तो इस जनरल पॉइंट को स्टेट करके देन यू कैन वर्कआउट, जो भी कंडीशन दे रखी हो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक हमें और काम करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों की इक्वेशन भी लिखी जाती हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए किस तरह से आती हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देखिए तीनों एक्सिस की इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, और पॉइंट ये है कि जो एक्सिस है तीनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये जो ओरिजिन है 0 0 0 ये तीनों पे पड़ेगा। और एक और बात कि जो इस एक्स एक्सिस के जो डीसीज हैं, डीसीज इसके आएंगे बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस इट इज मेकिंग 0 एंगल, सो कॉस 0 इज 1, तो इसके जो डीसीज होंगे 1 होंगे, बट वाई एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो कॉस 90 0 आएगा, और जेड एक्सिस से ये 90 बना रहा है तो 0 आएगा, और वाई एक्सिस के डीसीज आप लिखोगे 0 1 0, और इसी तरह से जेड एक्सिस के डीसीज लिखोगे दैट इज द 0 0 1, और जब हमें डीसीज पता हो और एक पॉइंट पता हो ऑन द लाइन, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन आएगी, ये पॉइंट है तो
उस पर पॉइंट जो चाहिए होता है वो 0 0 0 हो गया, और डीसीज हमें पता है, डीसीज इसके पता है 1 0 0, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा एक्स माइनस 0/1 इक्वल्स टू वाई माइनस 0/0 जेड माइनस 0/0, सो दिस द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। बट देखिए इसको कैसा लिखेंगे, आप एक्स बाय वन लिख लें, वाई बाय 0 लिख लें, इक्वल्स टू जेड बाय 0 लिख लें। इसको सॉल्व नहीं करना होता है, पहले आप कंपेयर करें इन दोनों को, तो ये तो 0 होगा, सो वाई इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे अगर इससे इसको देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कराएंगे तो एक्स इंटू 0 0 हो गया, जेड इक्वल टू 0 आएगा, जेड इक्वल टू 0। सो व्हाट इज देयर, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, तो दोनों ये प्लेन की इक्वेशंस हैं एक्चुअल में, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। आपको पता है एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे जेड इक्वल टू 0 होता है, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है जेड इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होगी, वाई जेड प्लेन की अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0, तो और तीसरा जेड एक्स प्लेन है ये, तो जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन अगर लिखना है सो दैट इज द वाई इक्वल टू 0, राइट, और हमने लिखा वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 ये है प्लेन और जेड इक्वल टू 0 है, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन है दैट पर्टिकुलर लाइन इज द एक्स एक्सिस, राइट। इसी तरह से हम तीनों लिखेंगे वन बाय वन। सो इसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, राइट। देखिए इस पे भी जो पॉइंट होगा आपका 0 0 0 ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट 0 0 होगा, और उसके डीसीज लिखने हैं वाई एक्सिस के, तो डीसीज आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के हमने लिखे हुए 0 1 0, सो दिस इज 0 1 0, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे एक्स माइनस 0/0 वाई माइनस 0/1 इक्वल टू जेड माइनस 0/0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वाई बाय वन जेड बाय 0, जेड बाय 0। अब अगर इसको हम कंपेयर कराएं तो एक तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एक्स इक्वल टू 0 बनाएगा, एंड इसको आप इसको किया हमने इससे, और इसको एक इससे लेना पड़ेगा, अगर 0 0 वाले दोनों ले लिए तो कुछ यूजलेस बात आ जाएगी, मतलब दोनों 0 ही होंगे तो कंपेयर नहीं करेंगे, वाई बाय वन को इससे करेंगे, वाई बाय वन को सेकेंड वाले थर्ड वाले से करेंगे, सो दिस इज द जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन को डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस। अब लास्ट लिखनी है हमें इक्वेशन ऑफ द जेड एक्सिस। अब आप समझ ही गए होंगे किस तरह से लिखना है, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस अगर लिखना है तो आ जाएगा बहुत इजी, इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस। इस पे एक आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो पॉइंट इसका जो ओरिजिन है वो तीनों एक्सिस पे लाया कर रहा है, इसलिए उसी पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उस पे जो डीसीज हैं जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस के डीसीज देखिए आप 0 0 1 है, तो ये हो गया, तो इक्वेशन जो होगी इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस वो होगी एक्स माइनस 0/0 वाई माइनस 0/0 जेड माइनस 0/1, वन इसमें इसके डीसीज आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन हो गई, इसको आप ऐसा कर सकते हो सिंप्लीफाई, वाई बाय 0 इक्वल टू जेड बाय 1, तो एक बार इसको इससे कंपेयर करोगे, दूसरी बार इसको इससे करोगे, दोनों ये आपस में कंपेयर नहीं होंगे, 0 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 यूजलेस होगा, ठीक है, तो आप जब इसको कंपेयर कराएंगे इससे तो x बराबर 0 लिखेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, सो जेड एक्सिस है उसकी अगर इक्वेशन चाहिए तो x इक्वल टू 0 एंड लगा के बोलना पड़ेगा y इक्वल टू 0, क्योंकि ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 प्लेन है, दो दो प्लेन का जेड एक्सिस जो है वो उसका
अब देखिए x इक्वल टू जीरो, आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू जीरो प्लेन की इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाले, ये x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ये दोनों जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंड लगा दिया, एंड का मतलब ये है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट्स बनेंगे, लोकस पॉइंट, दे आर गोइंग टू बी द जेड एक्सिस, तो दोनों को बीच में एंड लगाना पड़ता है, ठीक है। यही पॉइंट है, दिस इज नोन एज द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, वो मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूं कि व्हाई इट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल फॉर्म। देखिए जो लाइन है कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन जो हमने लिखी थी लाइन की, एक्स माइनस एक्स वन बाई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, राइट, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन इन 3D, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फॉर्म। अब फिर अनसिमेट्रिकल फॉर्म कौन सा होता है, तो दो प्लेन जो होते हैं आपस में, अगर मान लीजिए आप कोई भी जैसे ये चीज लेंगे, दिस इज वन प्लेन एंड दिस इज अनदर प्लेन, ये दोनों प्लेन है, तो दोनों प्लेन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अंदर, जहां जिस जिन वो एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो दोनों में एंड लगा के लिख देंगे, एंड देन इट बिकम्स द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। हालांकि दो प्लेन होंगे, ये पहला प्लेन, दूसरा प्लेन, जो प्लेन जहां कट करेंगे यहां से एक लाइन जनरेट होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी अगर दोनों में एंड लगा के बोलोगे, तो वो ऐसे ही पॉइंट्स हो पाएंगे जो कि इस प्लेन पे भी हो, सेकंड प्लेन पे हो, इसका मतलब उसको लाइन पे होना पड़ेगा, ठीक है। सो अनसिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन जिसे हम बोलते हैं, वो ये होती है कि दो प्लेन की इक्वेशन हो। तो देखिए प्लेन अभी हमने लिया नहीं है, लेकिन अभी मैं प्लेन की इक्वेशन लिख देता हूं, वो आप जानते भी होंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो होगा, एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो होगा, दोनों में एंड लगेगा, यहाँ पे एंड लिख देते हैं कि दिस एंड यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट ये है कि जैसे सपोज करो फर्स्ट प्लेन ये है, राइट, और सेकंड प्लेन ये है, फर्स्ट प्लेन यहाँ पे बना देंगे, दिस इज लेट से फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज द सेकेंड प्लेन, राइट, तो ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हो गई, लेट से दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन, तो दोनों प्लेन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि इक्वेशन ऑफ वन एंड इक्वेशन ऑफ सेकंड, दोनों में एंड लगाएंगे, कहने का मतलब वो पॉइंट्स जो कि पहले वाले प्लेन पे भी हो, सेकंड प्लेन पे भी हो, इसका मतलब वो लाइन पे होंगे, वो कॉमन पार्ट में होने चाहिए, कॉमन पार्ट एक लाइन बनाएगी और उसी पे वो पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, अनसिमेट्रिकल फॉर्म देख लिया, पॉइंट हमने देख लिया है, राइट, एंड वी नो द ऑल द थ्री एक्सिस, तीनों एक्सिस की इक्वेशन आ गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की भी हम इक्वेशन देखना जान गए। जनरल नोटेशन यही चलने वाले हैं, इनको मैं अभी यही लिखा रहने दूंगा, फिर बाद में थोड़ी देर में हटाऊंगा जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हर बार हम यही यूज कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर होगा, सो दैट इज गिवन बाय द एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, और पैरेलल वेक्टर ये चलाएंगे हमेशा, ए बी सी से आता है, और उसके जो पैरेलल वेक्टर के डीआरस होंगे डायरेक्टली इनके कॉफिशियंट्स होंगे आई जे के जो कि ए बी सी है, और आर जनरल वेक्टर इट विल बी ऑलवेज गिवन बाय दिस, दैट इज द आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सो दिस इज द फिक्स नोटेशन इन 3D, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, राइट, टू पॉइंट्स दे रखे हो लाइन पे, एंड दैट इज द ए वेक्टर एंड बी पॉइंट एज अ पोजिशन वेक्टर बी,
इस लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, राइट। तो अब सीधी बात है कि अगर ये पॉइंट ए गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर है वो ए हो, बी पॉइंट हो जिसका पोजीशन वेक्टर बी हो, तो हम एक जनरल पॉइंट लेंगे। ऑलवेज दिस इज द जनरल रूल इन मैथ्स कि आप कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड वो लोकस हो जाता है। जैसे 2D में हम लोकस पॉइंट लेते थे, वहां पे भी पी पॉइंट ही जनरेट करते थे, एक्स कॉमा वाई लिखते थे, ठीक है। तो उस एक्स कॉमा वाई को जिस कंडीशन को फॉलो करता है वो लोकस जो है उस चीज की इक्वेशन हो जाती थी। इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी सर्कल, इट कैन बी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जब हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख रहे हैं तो जनरल पॉइंट इसमें आर आर वेक्टर चलाएंगे। ये चीजें बहुत ही मोस्ट जनरलाइज्ड हैं, वो हमेशा ही आपको करना पड़ता है कोई भी इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज लिखेंगे, सिंस एक आपको जनरल वेक्टर को यूज करके एक वेक्टर बनाना पड़ेगा और दो पॉइंट गिवन है जिनके की पोजीशन है वेक्टर, आपको पता है। सो यू हैव टू राइट सिंस एपी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। सो दिस इज द कंडीशन, ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसी कॉन्सेप्ट से इसको बात को हम उठाएंगे और यहां से लिख सकते हैं आर माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ये पॉइंट लिखा, ठीक है ना। और इसके बाद में हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे, सो दैट इक्वेशन इज आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। और ध्यान रखें अगर दोनों पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो ये ए वेक्टर आप एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप लिख सकते हैं। बी पॉइंट जो है सेकेंड पॉइंट के को वेक्टर पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में अगर लिखना है तो उसको आप ऐसा लिखेंगे, दैट इज द एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, राइट। सो दिस इज द पोजिशन, और इसी को अगर कन्वर्ट करना है, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, राइट। अब वही इक्वेशन चाहिए कि इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे सारी चीजें लिख दीजिए जनरल में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल्स टू दैट इज द गिवन पॉइंट फर्स्ट एक्स वन आई कैप वाई वन जी कैप प्लस जेड वन के कैप इक्वल्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे वो बनेगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जी कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, जेड वन के कैप बनेगा, ठीक है। ये हम वर्कआउट पहले ही कर चुके थे। नाउ यू हैव टू कंपेयर द कॉफिशियंट्स ऑफ आई जे के। तो जो आई जे के कॉफिशियंट्स हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एक्स मिलेगा और दिस इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली जे कैप कंपेयर कराएंगे तो वाई इक्वल टू वाई वन हो जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जी कैप का कॉफिशियंट, यहां से देखिए दिस इज वाई टू माइनस वाई वन, राइट। सो यू कैन राइट द वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली यू कैन कंपेयर द कॉफिशियंट ऑफ के कैप, तो कॉफिशियंट ऑफ के कैप लिखेंगे तो ये जेड है, यहां पर जेड आ रहा है, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, और इसको हम लिखेंगे जेड माइनस जेड वन अपॉन दिस इज जेड टू माइनस जेड वन, राइट, इक्वल टू लैम्डा। देखिए तीनों वैल्यूज लैम्डा की हैं, ठीक है। तो जब व्हेन यू प्लेस ऑल थ्री इक्वल दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, दीज दे विल बी द टू पॉइंट्स गिवन ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड टू पॉइंट्स आर गिवन। सो यू कैन राइट द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसी से कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, ये बहुत आसान है, 3D बहुत आसान है। सो इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में सेम इक्वेशन अगर बनानी है तो आपको ये तीनों लैम्डा की वैल्यूज इक्वेट कर देंगे, दैट इज द एक्स एक्स माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन। सो
सो दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. इट इज द इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स कार्टेशियन फॉर्म में बोलेंगे तो एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू हो गया. यहीं से हमने देखी पैरेलल वेक्टर बना लिया इसका. इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसको ए बी जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पैरेलल वेक्टर. सो हुज डी आर आर नॉन, तो ये उसके डी आर ही है. एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई, जेड टू माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन. दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन, वन पॉइंट इज रिक्वायर्ड ऑन द लाइन. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, राइट. इसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन लेते हैं, वन पॉइंट फॉर्म और दिस इज द टू पॉइंट फॉर्म, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ वन पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म. तो ये सारी बातें, कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी लिए. प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऑन वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म एंड टू पॉइंट फॉर्म, एंड टू पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट. सो दीज आर द क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन हैं, बेसिक चीजें हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर वन में बोल रहा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन. अब इस लाइन को हमें रीसेट करना है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हुए हैं, तीनों बेसिक क्वेश्चन हैं. देखिए अगर इस तरह से दे दे ये, तो आपको एक काम करना पड़ता है इसमें, सिक्स एक्स माइनस टू इक्व टू थ्री वाई प्लस वन इक्व टू टू जेड माइनस टू. इसमें एक्स का कॉफिशियंट वन रखना होगा. सो इसमें से सिक्स कॉमन निकाल देंगे, एक्स माइनस टू बाय सिक्स हो जाएगा. इसमें से थ्री कॉमन निकाल देंगे, वाई का कॉफिशियंट भी वन होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें पता है. सो दिस इज वाई प्लस वन बाय थ्री इक्व टू टू कॉमन निकल जाएगा, राइट. और इन वैल्यूज को नीचे रखेंगे, एक्स माइनस वन बाय थ्री हो चुका, ये जो सिक्स नीचे जब जाएगा तो वन बाय सिक्स लिखना होगा, ठीक है. तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है. देखिए इक्वेशन वाई प्लस वन बाय थ्री है, तो ये जब वन थ्री नीचे लिखेंगे तो वन बाय थ्री लिखना पड़ता है. एंड जेड माइनस वन इक्वल्स टू दिस इज वन बाय टू. ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, राइट. अब इसके डी आर पूछे या इस पर कोई पॉइंट पूछे तो वो सारे बता सकते हैं. इसमें दो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं डी आर. तो डी आर तो डायरेक्टली हमें दिखी रहे, वन बाय सिक्स, वन बाय थ्री, वन बाय टू, राइट. और ये भी पूछ सकता है फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द लाइन. सो दिस पॉइंट इज वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री वन. सो पॉइंट अगर पूछे कि इस लाइन पे पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे कि वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री एंड वन, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस देना होता है. तो ये स्टैंडर्ड रूल है, माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इक्व टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्व टू जेड माइनस जेड वन बाय सी. तो माइनस फिर यहाँ पे चेंज कर देना पड़ेगा और ये वन, ठीक है. ठीक है, तो अगर पॉइंट पूछता तो हम ये आंसर करते, लेकिन डी आर पूछे हैं भी तो वन बाय सिक्स, वन बाय थ्री, वन बाय टू, बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हुआ. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन टू क्या बोल रहा है. क्वेश्चन टू, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू वेक्टर्स. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दो पॉइंट्स दे दिए जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन हो, तो ये दो पॉइंट्स के जिनके पॉइंट्स और वेक्टर इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है ना. तो दो पॉइंट्स दिए ही हुए इसने, डायरेक्ट बना सकते हैं और मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही लिखा है इसमें, ठीक है. सो एक काम करेंगे, दीज आर द टू पॉइंट्स. लेट से फर्स्ट पॉइंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग माइनस आई कैप प्लस फोर जे कैप एंड प्लस के कैप. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट ए, इट इज पैरेलल टू. सो बी पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट्स, बी पॉइंट हैज अ पोजिशन वैक्टर. लैंग्वेज भी ध्यान रखें, ये यूज होगा, राइट. दिस इज पैरेलल टू दिस एंड एनी लाइन विच इज द पासिंग थ्रू. सो दिस इज द गिवन पॉइंट. ऐसा करेंगे, इसको बी कर दें, इसको सी कर दें, राइट. ये हमारा ए पॉइंट है, गिवन है फर्स्ट पॉइंट. सो इससे पास हो रही है, पोजिशन वैक्टर ये दे रखा है. और एक पॉइंट हम जनरल चलाते हैं जो द आर होता है, राइट. सो विल राइट द ए पी इक्वेशन, पता ही है आपको, डायरेक्ट लिखोगे आर बराबर आर इक्वस टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए. ये दो पॉइंट्स के पोजिशन वैक्टर्स होते हैं, माइनस करेंगे. सो आर इक्वस टू आप लिखेंगे, दिस इज द टू आई माइनस जे प्लस के, राइट, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, इसमें से माइनस हो जाएगा.
आई माइनस, तो ये 2i आएगा, 2j-4j -2j एंड 2k-k, सो दिस इज प्लस k, सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। इसको इसी फॉर्म में लिखना रहता है। देखिए आंसर इसने ऐसे दिया है, 2i-j+k एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i-2j+k, ठीक है? तो इस तरह से आंसर आएगा, लाइन वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही इस तरह से लिखी जाएगी। उसके बाद आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये मतलब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसा कि ये दिया हुआ है। और ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये प्लेन्स हैं दो, और इन प्लेन को हमें सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो वो ट्रिक भी बता रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पहले लाइन को आपको x-2/2 एंड दिस इज 2y-5/-3 लिखा हुआ है, कॉमा लगाया, z इक्वल्स टू -1, तो ये एक्चुअल में अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल फॉर्म, राइट? व्हाई? बिकॉज दीज आर द टू प्लेन्स, आपको बताया था, दो प्लेन जो आपस में जिन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां एक लाइन बनती है। तो ऐसा पॉइंट जो इस प्लेन पे भी हो, सेकंड प्लेन पे भी हो, तो इसका मतलब वो लाइन पे होगा, तो वो लाइन की इक्वेशन बना रहा होगा, राइट? तो वो लाइन की इक्वेशन, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, पहले इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी यही सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में। ये स्टेट एक काम करना होता है, आपको x-2/2 लिखेंगे और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, y-5/2 आएगा और इसको -3 लिखेंगे, राइट? इसमें एक काम करेंगे, z है तो z उधर जाएगा, तो z+1 होता है, z+1 इधर 0 छूटेगा, 0 को नीचे ले लेंगे इक्वल टू 0, राइट? और इसके साथ में इक्वेट कर देते हैं, ट्रिक देख लीजिए आप, ऐसा ही करना रहता है, दिस इज वर्किंग मेथड, वो मैंने आपको वर्कआउट करके दिखा दिया है, वर्किंग मेथड यह है, इस तरह से वर्कआउट करना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जेड इक्वल टू -1, सो फर्स्ट स्टेप ये होगी कि z+1 इक्वल टू 0 होगा, सेकेंड स्टेप ये होगी कि z+1 डिवाइडेड बाय 0 लिखेंगे और उसको इसके साथ में इक्वेट कर देंगे, दिस इज द वर्किंग मेथड, राइट? सो नाउ इट इज इन सिमेट्रिकल फॉर्म, तो ये लाइन हो गया x-2/2 y-5/2 डिवाइडेड बाय -3/2, 2 नीचे उतर जाएगा, ठीक है? z+1/0 हो गया, सो दिस इज द लाइन इन द दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म बोलेंगे इसको, है ठीक है? अब उस लाइन को किस में लिखने का है, वेक्टर फॉर्म में, यू हैव टू राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट है और ये उसका पैरेलल वेक्टर है, सो आर इक्वल्स टू ए, सो दैट इज द 2i प्लस का 5/2j, राइट? और माइनस के कैप, ये तो पॉइंट हो गया लाइन पे, ए प्लस लेमडा और पैरेलल वेक्टर ये उठा लीजिए सीधा, सो दिस इज द 2i प्लस -3/2j, 3/2j प्लस 0k, चेक चेक द आंसर, आर इक्वल टू 2i प्लस 5/2j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i -3/2j प्लस 0k, राइट? देखिए स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, और इनमें भी कुछ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैंने लिखा है इनको, कोई भी नई बात होगी, अलग टाइप का क्वेश्चन है, दैट बिकम्स द पार्ट टू डिस्कस हियर, राइट? तो इस तरह से लेना होता है क्वेश्चन को। लाइन, दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस कर्व, पर्टिकुलर कंडीशन ही ये दी हुई कि अगर लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है, वो कर्व देखिए क्या दे रखा है, उस कर्व में एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है एंड जेड इक्वल टू 0 है, तो इस तरह का कर्व की पोजिशन है, एंड देन अननोन सी इज रिक्वायर्ड विच इज गिवन इन द कर्व, लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखी है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, x-2/3 इक्वल टू y+1/2 इक्वल्स टू, राइट? z-1/-1, देखिए यहाँ पे दे ही रहा है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है और जेड इक्वल टू 0 है, तो जेड 0 जो है वो हम यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि ये लाइन इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जेड तो 0 रखना होगा यहाँ पे, तो जेड जैसे ही आप 0 प्लेस करेंगे x-2/3
वाई प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू जेड जीरो लिखेंगे तो ये वन वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू भी निकल जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आप लिखेंगे थ्री, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री प्लस टू फाइव, एक्स इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा, और वाई की वैल्यू हो जाएगी, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो टू माइनस वन वन, तो वाई वन हो जाएगा। नाउ पुटिंग, बहुत आसान हो गया लेकिन ये स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। सो पुटिंग इन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें रख दिया, एक्स की वैल्यू फाइव हो गई, वाई की वन हो गई, सी स्क्वायर हो गई, सी की वैल्यू रूट फाइव हो गई प्लस माइनस, सो दिस सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, प्लस माइनस रूट फाइव। बहुत आसान था लेकिन अप्रोच डिफरेंट थी क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन, वन पॉइंट इज देयर ऑन दिस लाइन, लाइन इज गिवन है एक्स माइनस टू बाय वन, वाई प्लस थ्री बाय माइनस टू, जेड प्लस फाइव बाय माइनस टू, एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स फ्रॉम द पॉइंट टू माइनस थ्री माइनस फाइव। अब ये जो पॉइंट दिखा रहा है टू माइनस थ्री माइनस फाइव, ये तो यहीं पे ये लाइन पे तो है, ये टू माइनस थ्री माइनस फाइव, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, राइट। तो लाइन पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट हमें दिख ही रहा है साफ ही कि वो तो गिवन पॉइंट ही है, सो माइनस थ्री माइनस फाइव, और इस पॉइंट से इस एक और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द लाइन, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स, पॉइंट ऑन द लाइन, ओके, सिक्स फ्रॉम दिस, अच्छा इस लाइन पे ही पॉइंट चाहिएगा, राइट, सो पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये तो दोनों पॉइंट लाइन पे ही हो गए फिर, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में क्या है, सिक्स पॉइंट पॉइंट डिस्टेंस रखने वाला दूसरा पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ सिक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो फ्रॉम दिस मीन्स दिस इज अगेन ऑन द सेम लाइन, सो यू कैन कीप हियर, और यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, दैट लेट से दैट पॉइंट कैन बी द एक्स वन वाई वन जेड वन, राइट। तो इस पे पहले जनरल पॉइंट निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑनलाइन, सो दैट पॉइंट इज एक्स माइनस टू बाय वन इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री बाय माइनस टू इक्वल्स टू जेड प्लस फाइव बाय माइनस टू। तो देखिए इस पे कोई जनरल पॉइंट निकाल लीजिए और उस पॉइंट से इस गिवन पॉइंट की डिस्टेंस सिक्स लिखेंगे, उससे हमें अननोन वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरह से दो पॉइंट पॉसिबल होंगे इसमें, एक होगा इधर एक उस तरफ होगा, देखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा आपका लेमडा प्लस टू, एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेमडा प्लस टू, वाई कोऑर्डिनेट आएगा माइनस टू लेमडा, माइनस टू लेमडा माइनस थ्री, राइट। जेड कोऑर्डिनेट आएगा माइनस टू लेमडा, माइनस टू लेमडा माइनस फाइव, सो दिस इज द पॉइंट, राइट। सो सिंस डिस्टेंस लिखेंगे, ये जो गिवन पॉइंट है इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, डिस्टेंस को लिख रहा है सिक्स के इक्वल, तो वो डिस्टेंस आप लिख दीजिए, सिंस लैम्डा प्लस टू, लैम्डा प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं मैं, एंड प्लस दूसरा ये पॉइंट लिखेंगे माइनस टू लैम्डा माइनस थ्री, और वो माइनस करना होता है उसको, तो प्लस थ्री हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस टू लैम्डा माइनस फाइव, ठीक है, और उसको माइनस करना होता है तो प्लस फाइव हो जाएगा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिक्स डिस्टेंस, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो रूट में है, रूट से हटा देते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, फोर लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, प्लस दिस इज फाइव कैंसिल अगेन फोर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 36, सो दैट इज इक्वल टू 36, सो नाइन लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 36, लैम्डा स्क्वायर इज फोर, लैम्डा कैन बी प्लस माइनस टू। अब आप देखिए दो पॉइंट जिनकी बात मैं बोल रहा था, इस लाइन से इस तरफ एक पॉइंट मिल सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो सकता है सिक्स डिस्टेंस पे, एक इधर हो सकता है सेकेंड पॉइंट इस डिस्टेंस पे, तो हम देखते हैं इसने कौन सा दिया हुआ है। ही हैज गिवन द वन करेक्ट ऑप्शन, राइट, दो भी दे सकता था, कैसे भी कर सकता था, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू हम एक काम करते हैं, पहले लैम्डा इक्वल टू टू लिख के पॉइंट निकाल लेते हैं, तो पॉइंट अगर टू पुट करोगे यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू टू पुट करोगे तो एक्स हो जाएगा फोर,
वाई क्वेश्चन हो जाएगा, लैम्डा टू पुट कर दीजिए, -4 -3 -7 हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू लैम्डा टू -4 -5 -9। तो क्या ये पॉइंट दे रखा है? यस, 4 -7 -9 गिवन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अदरवाइज हम लैम्डा -2 लेके भी लिखते, मल्टी करेक्ट ऑप्शन भी बना सकता था इसको, ठीक है। सो मोर देन टू और मोर देन टू ऑप्शंस कैन करेक्ट, वो वाला क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता था, लैम्डा -2 लेता तो, ठीक है, लेकिन वो नहीं लिया, कोई बात नहीं, सिंगल करेक्ट ही बना रखा है इसने। हम देख लें कि क्या ऐसा दे तो नहीं रखा, लैम्डा -2 पे भी चेक कर लो जरा, ठीक है। लैम्डा -2 लिखोगे यहाँ पे तो x0 आएगा, तो 0 जैसा कोई पॉइंट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट दे तो रखा। चलिए y देखते हैं, y अगर देखें तो y में लैम्डा -2 लिखेंगे तो 4 -3 1 आएगा, और z कोऑर्डिनेट देखिए, z तो लगेगा आपको 4 प्लस 4 आएगा, प्लस 4 -5 -1 0 1 -1 0 1 -1 नहीं गिवन है, तो ये वाला पॉइंट इसने नहीं दिया, बिकॉज सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, पॉसिबल था, वैसे पॉसिबल था, हो सकता था, ठीक है ना। इसके बाद आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, ये बोल रहा है 5 कंप्लीटेड, थोड़ी जगह बना दो। क्वेश्चन 5 कंप्लीटेड, नो देखिए 6 में ही बोल रहा है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस। अब इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ तो है, सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसको देखिए, आप अगर सपोज ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा इजी लगता है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो मुझे ज्यादा इजी लग रहा है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्टेशियन फॉर्म में जाएं और वहां से सॉल्व कर दें। तो ये पॉइंट क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, दिस लाइन की इक्वेशन गिवन है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। देखिए कैसे आएगा, दिस इज द गिवन फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को हमने 163 लिख दिया, और यहां से ये लाइन थी, लाइन की इक्वेशन को भी हमने तुरंत उसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन ये गिवन पॉइंट होता है 0 बाय, और ये डी आर होते हैं 1 आएगा, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय इसमें डी आर में 2 आएगा, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस 2 आएगा डिवाइडेड बाय 3 आएगा। सो दिस इज द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, बहुत फास्ट कन्वर्ट हो जाती है लाइन, ठीक है। पॉइंट ये होता है एंड दिस इज द डी आर, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे। तो आप एक काम करेंगे, इस पे एक पॉइंट बनाएंगे लेमडा लेके, तो यहाँ एक पॉइंट बना सकते हैं लैम्डा कॉमा, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 राइट, 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, और ये जो लाइन है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए इसको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इस लाइन को हम फुट है ना ए एफ लेंगे, और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो हम इसके डी आर बना लेंगे ए एफ लाइन के, और इस लाइन के पैरेलल लाइन की डी आर पता ही है, और दो लाइन्स आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जब वो परपेंडिकुलर है तो हम उसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर और डी आर आर परपेंडिकुलर, डी आर आर गिवन ऑफ टू लाइन्स, सो सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो वो यूटिलाइज कर लेंगे, तो इसमें डी आर आ जाएंगे इसके, डी आर ऑफ ए एफ, ए एफ के डी आर लिखो, इसमें से इसको माइनस कर लो, 2 लैम्डा प्लस 1 -6, 2 लैम्डा 1 -6 इज -5 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 -3 लैम्डा -1, ये इसके डी आर हो गए ए एफ के, और इसके पैरेलल लाइन के डी आर यही है, सिंस ए एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन, जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, तो आप लिखोगे लैम्डा -1, यहाँ लैम्डा -1 इंटू 1 ये वाला, प्लस का 2 लैम्डा -5, 2 लैम्डा -5 इंटू 2, प्लस 3 लैम्डा -1 इंटू 3 राइट एंड इक्वल टू 0,
ये कंडीशन में सॉल्व कर दीजिए आप, लैम्डा माइनस वन प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 एंड प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 9 4 13 14 लैम्डा राइट, और आपके हो जाएंगे 10 13 14, तो इक्वल टू 14 आ गया, लैम्डा 1 आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही चाहिए था, लैम्डा 1 इसमें प्लेस कर दीजिए स्ट्रेट, तो आ जाएगा 1, सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, चेक द आंसर, सो दिस इज द 135। सो देखिए 3 मोर क्वेश्चंस ऑन 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म राइट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस इज गिवन एज द एक्स इक्वल टू 2t कॉमा वाई इक्वल टू -40, जेड इक्वल टू 40, वेयर टी इज इन आवर्स, टी इज इन आवर्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज इन किलोमीटर्स, तो जो एक्स वाई जेड है वो किलोमीटर्स में आएगा, और जब हम उसमें टी प्लेस करेंगे, और टी दिया हुआ है टाइम विच इज इन किलोमीटर्स, तो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 आवर्स, तो आफ्टर 10 आवर्स व्हाट इज द डिस्टेंस इन स्पेस बाय दिस पॉइंट, जो पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसमें जो टाइम है एक्स 2t के इक्वल चल रहा है, वाई इक्वल टू -40 है एंड जेड इक्वल टू 40 है, तो एक्चुअल में ये किसी स्पेस में एक लाइन के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो उस लाइन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज गिवन एज द एक्स एक्स बाई टू इक्वल टू टी राइट, एक्स बाई टू इक्वल टू वाई बाय 4 इक्वल टू जेड बाय 4 इक्वल टू टी, दिस इज द टाइम टी राइट, सो दिस इज द एनी पैरामीटर वेरिएबल, जो भी पैरामीटर होगा उस पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, सो वेयर टी इज इन आवर्स, अगर टी आवर्स में है तो आफ्टर 10 आवर्स, नाउ आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर टी इक्वल टू 10 आवर्स क्या पोजीशन होगी कि एक्स बाई टू इक्वल टू वाई बाय 4 इक्वल टू जेड बाय 4, जेड बाय 4 की वैल्यू ये हो जाएगी कि एक्स हो जाएगा 20 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40 और जेड भी हो जाएगा 40, सो दिस इज द पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी एट द 20, वाई 40, जेड 40 पे हो गया, तो सिंपली फिर पॉइंट ये है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, देन स्टार्टिंग पॉइंट, तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 है ठीक है, सो देयरफॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से निकाल रहे हैं, ओरिजिन से निकाल रहे हैं, तो डायरेक्टली दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स वन 0 है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा राइट, सो दिस इज द 400, 400 प्लस 4 4 जा 1600 प्लस 1600, सो 32 32 3600, सो दिस इज इक्वल टू 3600, सो 6d0 किलोमीटर्स, सो दिस द डिस्टेंस विल बी इन किलोमीटर 60, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए देखिए क्वेश्चन 8 ये बोल रहा है द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन, और ये लाइन जो है इट इज एक्टिंग लाइक इन अ मिरर राइट, सो इसको ये चाहिए कि ये जो पॉइंट गिवन है दिस पॉइंट इज 1 2 3 और इसकी इमेज चाहिएगी, तो ये पॉइंट पी है, इन इमेज पॉइंट इज पी डैश, नाउ इमेज इज रिक्वायर्ड विद रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर एंड लाइन इज एक्टिंग लाइक इन अ मिरर, सो लाइन दे रखी है इसने आर इक्वल टू 6i, 6i प्लस 7j प्लस 7k राइट, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस 2k राइट, माइनस 2k, दिस इज द लाइन गिवन, अब एक ही काम करना पड़ेगा, जैसे फुट हम निकालते थे, फुट निकाल लेंगे जब ये पॉइंट पता होगा, फुट पता होगा तो हम ये अदर एंड पे के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल पाएंगे ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही काम करते हैं, इस लाइन को हम कन्वर्ट कर दें सीधा एक्स माइनस एक्स वन 6/3 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस 7/2 इक्वल टू जेड माइनस 7/-2, तो लाइन कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे जो कोई भी पॉइंट होगा सो दैट पॉइंट इज इक्वल टू द पॉइंट लेट्स से क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं 3 लैम्डा प्लस
6, दिस इज 3 लैम्डा प्लस 6 एंड 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा दिस इज माइनस 2 लैम्डा प्लस 7, दिस इज द पॉइंट। और वहां से हम इसके डी आर्स निकालने हैं, और इस लाइन के पैरेलल डी आर्स ये है, तो ये हमें वैल्यू दे देगा लैम्डा की, राइट। जब लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा क्यू, और जब पी पता है और क्यू मालूम है तो पी डैश भी मालूम पड़ जाएगा, वो उसका इमेज पॉइंट है, बिकॉज लाइन इज एक्टिंग एज ए मिरर, ठीक है। तो काम करते हैं, इसमें डी आर्स निकाल लेते हैं, डी आर्स ऑफ पी क्यू निकाल लो पहले। सो दैट इज द 3 लैम्डा प्लस 6, 3 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, एंड 2 लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा प्लस 7 -2, तो 2 लैम्डा प्लस 5 मिलेगा, -2 लैम्डा प्लस 7 -3, सो +4 मिलेगा। ये हो गया डी आर्स ऑफ पी क्यू हो गया, और डी आर्स ऑफ लाइन वो यहां से कॉपी कर लीजिए आप, दिस इज 3 2 -2 देयरफॉर, और हमें पता है कि दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 5, राइट, -2 टाइम्स ऑफ -2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, 9 लैम्डा होएगा प्लस 4 लैम्डा आएगा यहाँ से, और प्लस 4 लैम्डा यहाँ से आएगा, कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो फिर +15 आएंगे, +10 आएंगे, और -8 आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, राइट। सो 9 4 13, 13 4 17 लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, +17 टू, जो लैम्डा -1 हो गया। अब लैम्डा -1 हो गया तो यहाँ का पॉइंट जो क्यू पॉइंट है वो डिसाइड हो गया, मतलब -3 प्लस 6, सो +3 बचेगा, -7 -2 5, राइट। और यहाँ लैम्डा -1 है तो ये ऐड हो जाना है, 2 ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, तो ठीक है। जब आपको 1 2 3 पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये पॉइंट पता होगा, बिकॉज क्यू पॉइंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश, राइट। तो वो निकाल देते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेंगे कुछ भी जनरल, मान लीजिए एक्स वाई जेड, राइट। सो x+1 x+1/2 इक्वल्स टू 3, राइट। सो x=6 -1 5, इसी तरह से y वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, है ना, तो y वाला कोऑर्डिनेट आएगा y+2 इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 5 है, तो y की वैल्यू हो जाएगा 10 -2 8, तो 5 8 तो आ चुके, 2 पॉइंट बहुत है, और क्या, 5 8, हाँ ये रहा 5 8 15, ठीक है ना। तो बस एक्स वाई कोऑर्डिनेट से जेड भी निकाल सकते थे, नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, 5 8 से ही पता लग गया, उसके बाद में है ही नहीं कुछ ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका द वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन, तो उस लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि 2 -1 1 से पास हो एंड पैरेलल टू दिस लाइन। सवाल ऐसे ही ले लिया क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का एक ही पहले ही क्वेश्चन है कि दैट लाइन इज रिक्वायर्ड विच इज पासिंग थ्रू 2 -1 1, राइट, एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब हम एक काम करेंगे, ये इसके पैरेलल है x -3/2 इक्वल्स टू y+1/7 इक्वल्स टू z -2/-3। तो एक काम करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये भी लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, तो हो सकता है वो पैरेलल वेक्टर यहाँ हो, ये पैरेलल हो, तो इसके जो डी आर्स होंगे पैरेलल वेक्टर के वो 2 7 -3 है, राइट। सो व्हाट इज देयर, ये हमारे इस लाइन के रिक्वायर्ड लाइन जो बना रहे हैं उसके लिए भी ये वाले डी आर यूज में आ जाएंगे, बिकॉज एनी लाइन पैरेलल वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, तो पैरेलल वेक्टर इसी का कॉपी कर लेंगे सीधा, मतलब इसको ऐसा बोलते हैं, लैंग्वेज यूज की जाती है कि इसका पैरेलल वेक्टर कॉपी कर लेंगे इसकी लाइन की इक्वेशन को बनाने के लिए, और वेक्टर इक्वेशन क्रिएट करना, तो बस हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आप एक ही लाइन में लिखोगे, वन लाइनर है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब आर इक्वल्स टू ए, तो ये तो पॉइंट दिया हुआ था 2i - j+k, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, और पैरेलल वेक्टर ही कॉपी कर लीजिए,
सो 2i+7j-3k, सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल है ना। व्हेन यू नो द कंडीशंस देन इट बिकम्स वेरी सिंपल, बिकॉज हमें पता है कि ये वहां से कॉपी करके सीधा सीधा लिख देने का। वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो वेक्टर लिख दिया, कार्टेशियन बोलता कार्टेशियन लिख देते। देखिए नेक्स्ट वेरी सिंपल एप्लीकेशन है, एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। दो लाइन्स अगर गिवन हो तो उसके बीच में एंगल निकालना। जब हम दो वैक्टर के बीच में एंगल निकालना जानते थे तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स भी निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ चीजें बहुत ही आसान है, क्या करें, ये भी मतलब दीज आर द इजिएस्ट पार्ट इट इज गोइंग ऑन। सो टू लाइन्स, लेट से ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन सपोज R1 = A1 + λB1, ये लाइन लिख लेते हैं। सेकेंड लाइन इज लेट से R2 = A2 + λB2 लिख लेते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखने हो तो इसको लिखेंगे X-X1/A1, Y-Y1/A1B1 एंड Z-Z1/C1। और यही लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी हो तो X-X2/A2 लिख देंगे, Y-Y2/B2, Z-Z2/C2 लिख देंगे। दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म, राइट। तो एक्चुअल में जो लाइंस दो होती हैं उनके बीच में एंगल नहीं होता, उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होता है। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज बेसिकली बेसिकली एंगल बिटवीन बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो वही मेन एंगल होता है। मतलब लाइंस मान लीजिए ये दोनों दे रखी हैं, लेकिन इनके पैरेलल वेक्टर्स होंगे। सपोज करो इनके पैरेलल वेक्टर ये होंगे। सो जो भी एंगल थीटा लाइन के बीच में होगा, सेम एंगल उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी होगा, सेम एंगल विल बी इन बिटवीन दम। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू, सो कॉस थीटा हम यूज कर ही रहे, कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखिए इसका पैरेलल वेक्टर उठाएंगे और इसका पैरेलल वेक्टर लेंगे। इसका पैरेलल वेक्टर है B2 और इसका पैरेलल वेक्टर है, ये यहीं तक रहने दें, लाइन का पैरेलल वेक्टर्स वही है, राइट। सो एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, वेरी इजी, राइट। सो दिस इज B1 dot B2, B1 dot B2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2 हो जाता है, राइट। और इसी को यदि आप उसमें लिखना चाहें, दैट इज ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, अगर सपोज कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो पैरेलल वेक्टर ये रहे इनके A1 B1 C1 और पैरेलल वेक्टर A2 B2 C2। सो A1 A2 आएगा ऊपर डॉट प्रोडक्ट, ये आ जाएगा A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर होगा एंड A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर होगा। ये आ गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इट इज इन वेक्टर फॉर्म, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, राइट। सो दिस इज देयर। और कंडीशन भी बहुत आसान है लिखना, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। अगर मान लीजिए दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो लिखना है तो B1 dot B2 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, राइट। सो B1 dot B2 0 होगा वेक्टोरियली, और डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब कॉस थीटा 0, तो मींस न्यूमरेटर 0 लिख देंगे। और A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0 होगा, ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन। वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन, पैरेलल में इनके वेक्टर्स पैरेलल होंगे। सो पैरेलल की कंडीशन ये होगी, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, लाइंस यदि पैरेलल है तो B1 वेक्टर कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर, राइट। और उसी को हम जो है वैसे लिखते हैं, B1 वेक्टर आप उठा लीजिए इसका, दैट इज द B1 वेक्टर, सॉरी B1 ये रहा, A1 B1 C1 और ये B2 वेक्टर वो है। तो पैरेलल यदि है सो A1 upon A2, A1 upon A2 कर चुके हैं हमें सारा काम, इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2 होगा।
ये सेम कंडीशन तो वेक्टर में भी लिखते आ रहे हैं, वेक्टर भी तो ऐसे ही दो दिए हुए होते थे, और यहाँ जब लाइन की बात आ रही है तो उनके दो पैरेलल वेक्टर्स यूज कर रहे हैं बस, बाकी और कोई फर्क नहीं है। और वो मेन पॉइंट लिख ही दिया आपको कि एंगल बिटवीन टू लाइन इज बेसिकली द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, दिस इज द की पॉइंट, दैट्स ऑल। बाकी तो आप ये वर्कआउट तो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस लेते हैं। द फर्स्ट लाइन, एंगल बिटवीन द लाइंस, तो फर्स्ट लाइन तो ठीक है, 3x = 6y = 2z जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई है, उसको हम स्ट्रेट लिखना जानते हैं। और ये लाइन जो है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, सेकेंड लाइन दैट इज गिवन इन द अनसिमेट्रिकल फॉर्म। सो वी हैव टू, बिकॉज दो लाइंस अगर के बीच में एंगल चाहिए तो उनके पैरेलल वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैरेलल वेक्टर हम निकाल लेते हैं खाली सेकेंड लाइन से जो कि अपने अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है। फर्स्ट वाली लाइन तो ठीक है, फर्स्ट लाइन को आप ऐसा लिख देंगे, दिस इज 3x = 6y = 2z। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x/1/3 y/1/6 = z/1/2। नाउ इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दिस इज द फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन में देखिए क्या प्रॉब्लम है कि ये दो प्लेन से बन रही है तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी है, लेट से दीज आर द टू प्लेन्स, ये दो प्लेन्स हैं राइट, इस तरह से दो प्लेन होते हैं, तो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो जाने वाली लाइन है वो है, और दोनों प्लेन अलग अलग दे रखे हैं। तो फर्स्ट प्लेन जो है आपका, उसका जो पर नॉर्मल है, देखिए आपको ये चीज नहीं पता हो लेकिन मैं जो है यहाँ बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो xyz के कॉफिशियंट्स होते हैं उसके प्लेन के नॉर्मल के डीआरस होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल का इसका n1 नॉर्मल है, n1 वेक्टर वो आएगा इसका 3i कैप + 2j कैप एंड + k कैप राइट, ये इसका नॉर्मल वेक्टर होगा जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं 3 2 1 3 2। और सेकेंड सेकेंड प्लेन है उसका नॉर्मल n2 हम अगर लें तो n2 वेक्टर होगा इसका नॉर्मल, दैट इज द दिस सेकेंड प्लेन, तो उसका आएगा i कैप + j कैप + -2k कैप होगा राइट। अब दोनों के नॉर्मल्स जो है इस तरह से हैं, ये दोनों प्लेन्स हैं और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। अगर हम दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट राइट। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे विल गेट दिस लाइन, और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मिल जाएगा, वही हमें पैरेलल वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहां से हम इसके पैरेलल वेक्टर के डीआर हमने यहां से निकाले, इसमें भी वही करेंगे। सो बेटर जो पैरेलल वेक्टर है वो हम इस तरह से निकाल लें, पैरेलल वेक्टर जिसे बोलेंगे वो आपका हो जाएगा दैट इज द आई जे के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, n1 × n2 राइट, एंड दिस इज n1 × n2 वेक्टर, सो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड वेक्टर। n1 आप लिख लीजिए 3 2 1, दिस इज 3 2 1, और n2 हमने लिखा 1 1 - 2 उसके कॉफिशियंट्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे दिस इज -4 - 1 - 5 - j कैप × दिस इज -6 - 1 - 7 - 6 and - 1 - 7 + k कैप × दिस इज 3 - 2 सो 1। सो नाउ इट कैन बी रिटन -5i + 7j and + k कैप, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर पैरेलल वेक्टर राइट। सो एंगल बिटवीन देम, तो उसका जो ये पैरेलल वेक्टर बन गया एक तरह से, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ में है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट इसको लेंगे इन दोनों के बीच में, विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एंगल। सो देयरफॉर cos θ = 2, तो देखिए इसके पैरेलल वेक्टर जो एक तरह से हम इसको बी रिगार्ड करेंगे, बी बोलेंगे, और ये इसका पैरेलल वेक्टर है, सो उसको आप लिखोगे 1/3 × -5 + देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसको चेंज नहीं कर रहे फॉर्म वगैरह को, सीधे लिख दे रहे 1/2 × 1, और डिवाइडेड बाय इनके मॉडुलस आएंगे 1/9 + 1/36 + 1/4 आएगा, एंड अंडर रूट में इनका आएगा 25 + 49 + 1 आएगा, और न्यूमरेटर में देखिए आप क्या आ रहा है, -5/3 आ रहा है, +7/6 आएगा, +1/2 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय रूट ओवर वैल्यू रहेगी। इसको थोड़ा सॉल्व करें जरा, 7/6 प्लस 1/2, सो दिस इज द 7 प्लस 2 3, 10/6, यानी कि 5/3 पॉजिटिव हो गया, और तो ये कैंसिल ही हो गया पूरा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये दोनों वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे, है ना। बट न्यूमरेटर इज जीरो, नो न्यूमरेटर इज जीरो मीन्स कॉस थीटा जीरो मीन्स थीटा 90, सो यहाँ पे थीटा आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हियर वी आर गेटिंग द कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 5/2। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट मीन दिस इज द पोजिशन वैक्टर गिवन अल्फा वैक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स आर वन इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन एंड आर टू इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। सो दोनों लाइन्स के वो परपेंडिकुलर है, राइट, एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा वेक्टर, उस पोजिशन वेक्टर इज गिवन एज अल्फा वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स। तो देखिए डायग्राम ये बनेगा, इसमें रिक्वायर्ड लाइन आपकी ये वाली हो जाएगी, दीज आर द लेट सपोज टू लाइन्स गिवन, सो दिस इज द आर वन इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, दिस इज वन ऑफ द लाइन गिवन, और सेकेंड लाइन आप बना लेंगे, लेट से दिस इज द आर टू इक्वल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू। यहाँ कांस्टेंट जरूर चेंज करेगा, अगर दो लाइंस अलग अलग रखता है तो एक में लैम्डा, एक में म्यू, एक में गामा, डेल्टा, इस तरह से अगर चार लाइन कंसिडर हो रही होंगी तो हर बार कांस्टेंट डिफरेंट लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा लिख रहा है, उधर म्यू लिख रहा है, दीज आर द टू लाइन्स एंड रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो ये दोनों लाइन्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, इस तरह का जैसा डायग्राम बना रखा है, तो ये चीज है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इन दोनों लाइन्स का, तो यहां से एक वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, सो जस्ट फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, राइट। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उनके पैरेलल वेक्टर के साथ लेंगे, सो द दैट नॉर्मल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वन क्रॉस बी टू। तो देखो लाइन को नहीं कर रहे हैं, उसके पैरेलल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, बी वन क्रॉस बी टू करेंगे, सो विल गेट द दिस इज द परपेंडिकुलर टू बोथ। आपने यूं किया, कैसे भी कर सकते हैं यार, एज इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर ले लेंगे तो वो नीचे जाएगा, बट परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइन है, तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, राइट, इट इज पासिंग थ्रू सम अल्फा वेक्टर, इससे पास हो रही है और इस तरह से जा रही है, तो रिक्वायर्ड लाइन की इसकी इक्वेशन हम लिख पाएंगे, दिस इज आर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर अल्फा प्लस, और यहाँ पे अगर सपोज लैम्डा म्यू है, गामा कुछ भी कांस्टेंट चेंज कर दीजिए, ठीक है, एंड यू जस्ट राइट डाउन द बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आपको पैरेलल वेक्टर मिल जाता है, दिस इज पैरेलल टू दैट, राइट, यू गॉट द पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर इसके हम कोई भी लाइन होता है उसके पैरेलल वेक्टर रिक्वायर्ड होता है, तो बी वन क्रॉस बी टू को हम यूज करेंगे एज ए पैरेलल वेक्टर, एंड दिस इज द गिवन पोजिशन वेक्टर, सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज आर इक्वल टू अल्फा प्लस, यहाँ कॉन्स्टेंट चेंज कर दिया, कॉन्स्टेंट तो कुछ भी चेंज कर दीजिए, एक प्लस गामा बी वन क्रॉस बी टू। लेकिन इधर क्वेश्चन जो है, जो पैरेलल क्वेश्चन प्लेस किया है मैंने, वो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख के उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो टेकिंग द क्वेश्चन, देखिए सवाल यह है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वन पॉइंट इज गिवन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस एंड दिस, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो सीधे उठा के पैरेलल वेक्टर इनके लीजिए, उनके क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, है ना, वो हमारा बनेगा पैरेलल वेक्टर, सो दैट इज द बी, एंड इनके क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के लेंगे, दिस इज 1 2 3, यहां से लिया पैरेलल वेक्टर, और इसका सेकंड का पैरेलल वेक्टर लिया -3 2 5, राइट, तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, दिस इज आई इंटू 10 माइनस 10 माइनस 6 4, माइनस जे कैप इंटू दिस इज 5 प्लस 9, दिस इज 5 प्लस 9 14, राइट, प्लस के कैप इंटू 2 2 प्लस 6, सो 2 प्लस 6 8 हो गया, 4 i माइनस 14 j, राइट, प्लस 8 k, दिस इज द पैरेलल वेक्टर, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड
लाइन हमने जैसा बनाया था, गिवन पॉइंट जो है वो दे रखा है इसने माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पैरेलल वेक्टर उठा के लिख दीजिए आप, 4i माइनस 14j प्लस 8k, और कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखा है इसने तो लिख सकते हैं एक्स माइ जो पॉइंट था वो माइनस था तो माइनस यहाँ करेंगे एक्स प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू वाई माइनस 3 आएगा इक्वल्स टू जेड प्लस 2 आएगा, ये तो पॉइंट है। नीचे पैरेलल वेक्टर लिख देने का, 4 माइनस 14 और 8। इस डीआर को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये जिस तरह डीआर निकल के आए तो वैसे ही आंसर में हो, डीआर सिंप्लीफाई किया हो सकता है उसके किसी भी कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई करने से, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से और दूसरा डीआर बन जाता है। तो इस लाइन को देखिए ऐसा दिख भी नहीं रहा है, यहाँ 8 8, हाँ 8 है तो फिर वो वहाँ 14 है, वहाँ यहाँ 7 दे रखी है, ठीक है तो कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका बेटर ये है कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डीआरस को इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज वाई माइनस 3 बाय माइनस 7 हो जाएगा, जेड प्लस 2 बाय ए 4 हो जाएगा, तो अब देखिए डीआर सिंप्लीफाइड हो गए, ठीक है। सो 2 माइनस 7 4 ढूंढना, पहले तो 2 ये इसी ऑप्शन में मिल रहा है, 2 माइनस 7 4, 2 माइनस 7 4, और पॉइंट भी चेक कर लीजिए ऊपर एक्स प्लस 1 है वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 7 है जेड प्लस 2 बाय 4 है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए वही क्वेश्चन नंबर 2, मतलब हमारी एप्लीकेशन ऊपर लिखी हुई है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट अल्फा, वन पॉइंट इज गिवन एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। इसी पे ये सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इस पॉइंट के बीच में यहाँ कॉमा लगा रखा फिर एंड लिखता है, फिर वापस इन दोनों के बीच कॉमा लगा रखा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के वो परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड लाइन तो एक काम करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये बी वेक्टर बनेगा, लेट से दिस इज द ए पॉइंट बी पॉइंट लेट से सी डी पॉइंट, तो हम एक काम कर लें कि यहाँ पे जो पैरेलल वेक्टर हम बनाते हैं उसको हम बना लें ए बी क्रॉस सी डी से, वो हो जाएगा बिकॉज दिस इज ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एंड ए बी ज्वाइनिंग पॉइंट्स विल मेक वन लाइन, सी डी ज्वाइनिंग विल मेक द अनदर लाइन एंड दैट रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स, तो सिंपली यही काम करना है, पैरेलल वेक्टर मिल जाएगा आई जे के, राइट। और जब ए बी बनाएंगे तो ए बी इसको ज्वाइन करने से बनता है, तो 1 माइनस 4 से -3 आएगा और -1 -3 -4 होगा, 0 माइनस 2 -2 होगा, ये एक पैरेलल वेक्टर बना, सी डी दूसरे से बनेगा तो सी डी है तो 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1, ठीक है, 1 माइनस और माइनस +1 हो जाएगा 2, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दिस इज द आई इंटू दिस इज द -8 दिस इज -8 और प्रोडक्ट होके 2i -2 माइनस जी कैप इंटू दिस इज -6 -6 एंड +2 हो जाएगा, राइट, प्लस के कैप इंटू दिस इज द 3 3 एंड +4 3 प्लस 4 दिस इज -10 आई कैप हो गया -4 तो +4 आई जे कैप एंड दिस इज +7 के कैप, राइट। तो ये वेक्टर मिल गया पैरेलल और यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दे रखी है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई देखिए हमारे पास टाइम कम है ना तो हमको फास्ट काम करने का, उसमें डायरेक्ट लाइन लिखो एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1 लिख लेने का, ऊपर इक्वल टू जेड माइनस 1 लिखना, पैरेलल वेक्टर कॉपी करो -10 4 7 और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहो तो, माइनस जैसे इसने 10 तो सारे में 10 ही लिख रखे हैं, सभी में 10 है, ये सारे 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, सो यू कैन राइट द एक्स माइनस 1 बाय 10 इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय -4 इक्वल टू जेड माइनस 1 बाय -7, तो
आप ये देख लीजिए, मतलब 10 आएगा, -4 -7 आना चाहिए, तो ये आ रहा है 10, 10 -4 -7 इसमें आ रहा है। लेकिन ऊपर का पॉइंट चेक करें, x -1/10, y +1/-4, z -1/-7, तो फिर दोनों में क्या गड़बड़ है? ए और सी में, यहाँ पॉइंट दूसरा ले रखा है इसने, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, बाकी तो मैच कर ही नहीं रहे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 3D में, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, राइट। 2D में देखिए, हम ये चीज जानते हैं कि अगर 2D में एक पॉइंट मालूम है, अगर 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो उसमें अगर दो लाइंस पैरेलल या तो पैरेलल होंगी, राइट, और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो व्हेन यू एक्सटेंड देम, आफ्टर एक्सटेंडिंग दे आर गोइंग टू मीट इन 2D, ये 2D का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन 3D में ऐसा हो सकता है, 3D में क्या होगा कि इट इज पॉसिबल दैट दो लाइन पैरेलल नहीं भी हो और नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो, मीन्स टू लाइंस, यू कैन से टू लाइंस कैन बी नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग ऑल्सो, तो इस तरह की भी सिचुएशन होती है। एंड दीज लाइन्स आर नोन एज स्क्यू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स होती हैं। और दूसरी स्पेस में मैं भी आपको उसमें दिखाऊंगा किस तरह से स्क्यू लाइन्स बनती हैं, और दूसरी ऐसी हो सकती हैं कि लाइन्स इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी होंगी और स्क्यू लाइन्स कौन सी होंगी जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नाउ दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट। तो देखिए पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए पहले स्क्यू लाइन्स हम देखेंगे, स्क्यू लाइन्स कौन सी होंगी, इस तरह की जो लाइन्स होंगी, सो दीज आर द नॉन पैरेलल, आपस में पैरेलल भी नहीं है, राइट, एंड बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्लेन, सो ये लाइन इस तरफ से आगे निकल जाएगी, राइट, और ये लाइन इस तरफ से निकल जाएगी, एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट एनी वेयर, तो बिकॉज दिस लाइन इज गोइंग दिस वे एंड दिस लाइन इज गोइंग दिस वे एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों लाइन्स के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। तो ये चीजें दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, राइट। सो टू स्क्यू लाइंस उन्हीं लाइंस को बोलते हैं, इन स्पेस स्पेस इन स्पेस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो ये स्क्यू लाइंस की ही डेफिनेशन है कि इस तरह की लाइंस होंगी वो तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डेफिनेशन में ही है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो ऐसी लाइंस को अगर हम चेक करना चाहेंगे कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट बिकॉज स्क्यू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, राइट। तो दो लाइंस जिनको हम देखने वाले हैं, लेट टू लाइन्स इज एक्स माइनस -X1/A1, वाई -Y1/B1 इक्वल टू जेड -Z1/C1 फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड लाइन सपोज दिस इज द एक्स माइनस -X2/A2, वाई -Y2/B2 एंड Z-Z2/C2। लेट से दीज आर टू लाइन्स जो हम डिस्कशन में लेने वाले हैं, ये दो लाइन्स हैं, राइट। तो स्क्यू लाइन्स की डेफिनेशन ये हुई, दे आर नॉट गोइंग टू बी इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी, जो कि इन स्पेस, ये दोनों लाइंस L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, इन स्पेस, इन स्पेस मीन्स 3D में है, 3D में है, बट दे आर कोप्लेनर, सो बिकॉज दे आर कोप्लेनर लाइंस एक ही प्लेन में है, इस वजह से इनको जब आगे ये बढ़ेंगी सो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्टिंग। सो कोप्लेनर अगर है सो दे इंटरसेक्ट्स, इफ दे आर कोप्लेनर बट नॉन पैरेलल, राइट, कोप्लेनर बट नॉन पैरेलल, ये आप सिचुएशन समझ लीजिए ध्यान से, कि किसी एक प्लेन में भी होगी ये भी बात कंफर्म है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि पैरेलल नहीं होगी। अगर स्पेस में भी ऐसा हो सकता है, स्पेस में भी ये दोनों लाइंस हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो स्पेस में ही है ये दोनों लाइंस, राइट, दीज आर द पैरेलल लाइंस, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि इनको कहीं पे भी स्पेस में रख दीजिए, ऐसा रख दीजिए,
दे आर पैरेलल, राइट, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन फाइनली बनती है। अब देखिए हमारे पास जो मेथड है हम वही करेंगे कि ये कोप्लेनर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक चीज मालूम चल गई कि अगर लाइंस जो नॉन पैरेलल हो, कोप्लेनर हो, दे बिकम्स द इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो लाइंस ही इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, स्क्यू लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट। तो ये पॉइंट हो गया और ये सारा स्पेस में डिस्कशन है। ऐसा भी हो सकता है इन स्पेस पैरेलल लाइन हो सकती है। दिस कैन बी द पैरेलल एनी स्पेस। तो ये कभी भी नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। दीज लाइन्स विल बी द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसा मैंने आपको करके दिखाया, दो लाइन्स दिखाई इस तरह से जो वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह की बात होगी। लेकिन हम जो मेथड है, मेथड कौन सा यूज करते हैं जिससे कि मालूम चल जाए कि दोनों लाइन्स नॉन इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग हो तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, राइट। तो दिस इज द चेक मेथड। और इसमें भी दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड इज द शॉर्टकट मेथड, डायरेक्टली हो जाता है। जो फर्स्ट मेथड है वो 12th सीबीएसई वाले बच्चों को यूज करना है, जो दोज हु आर गिविंग द 12th क्लास, 12th एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो द दे आर गोइंग टू अपियर इन टू द IIT JEE। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग 12th जो मेथड यूज करेंगे वो फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, और जो सेकेंड मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड है, वो आप IIT JEE के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उस मेथड को अलाउ नहीं करता है। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, नाउ सी द चेक मेथड, हाउ टू चेक। सो लेट द टू लाइंस, लेट लाइंस बी, देखिए दोनों लाइंस को आप इसमें एक जनरल पॉइंट निकालेंगे। A1 = (y-y1)/(b1) = (z-z1)/(c1) = (say λ), राइट। तो इस पे जो जनरल पॉइंट होगा, जनरल पॉइंट फर्स्ट लाइन पे हम लिख सकते हैं, सो दैट दिस इज इक्वल्स टू a1 λ (x1+a λ), (x1+a λ), (y1+b λ), (z1+c λ). दिस इज अ जनरल पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन, राइट। सो सेकेंड लाइन ले लेंगे एंड x-x2/a2, y-y2/b2 इक्वल्स टू z-z2/c2 इक्वल्स टू, इसमें आप कोई कांस्टेंट चेंज कर देंगे तो इस पे भी जनरल पॉइंट ले लेंगे। लेट से द जनरल पॉइंट इज, दिस इज x2+a2, यहाँ पे a1 आएगा, यहाँ b1 आएगा, c1 आएगा, राइट। फर्स्ट में जो drs है फर्स्ट लाइन के, वो a1 b1 c1 रखे हमने, सेकेंड लाइन के a2 b2 c2 रखे हैं, ठीक है। तो उस पर जो पॉइंट आएगा दैट इज a2 μ, x2+a2 μ, दिस इज द y2+b2 μ एंड z2+c2 μ, दिस इज द पॉइंट। नाउ अब देखिए यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इफ लाइन्स इंटरसेक्ट्स देन बोथ पॉइंट विल बी सेम, बोथ पॉइंट्स बी सेम, दोनों जो हमने पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स निकाले हैं तो बोथ जनरल पॉइंट्स बी सेम, बोथ जनरल पॉइंट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि तो आपको ये मालूम चलना चाहिए कि जो जनरल पॉइंट निकाला है दोनों का, दोनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो एक ही पॉइंट होगा, राइट। सो बोथ जनरल पॉइंट्स बी सेम। अब सेम होगा तो हम एक काम करेंगे, थर्ड जो वर्कआउट है, ये चेक मेथड जो फर्स्ट बता रहा हूं मैं, ये बेसिकली 12 सीबीएसई वाले बच्चे यूज करेंगे, ये इस तरह से यूज करना होता है। सेकंड जो मेथड है वो डिटरमिनेंट मेथड है, डायरेक्ट यूज किया जा सकता है उसको, ठीक है। सो देखिए इसमें एक काम करेंगे, पुट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल, अगर दोनों पॉइंट सेम ही है तो उनका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल, कोई से भी दो रख सकते हैं, बट यहाँ ठीक है एक्स और वाई रख रहे हैं। तो इसमें आप इसको लिखोगे x1 + a1 λ
इक्वल्स टू एक्स टू प्लस ए टू म्यू, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल लिखेंगे वाई वन प्लस बी वन लैम्बडा इक्वल्स टू वाई टू प्लस बी टू म्यू रखेंगे, और इनको सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सॉल्व सॉल्व फाइंड लैम्बडा एंड म्यू, लैम्बडा एंड म्यू, उसको सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालना है, राइट। नाउ इफ इफ लैम्बडा एंड म्यू सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज थर्ड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट्स इक्वल, दैट इज देखिए जेड वन प्लस सी वन लैम्बडा इक्वल्स टू जेड टू प्लस सी टू म्यू, देन लाइन्स इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमने इक्वेट किया, उससे जो लैम्बडा और म्यू निकले उसको इसमें प्लेस कर दिया, और वो जेड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर दे रहा है, इट मीन्स दोनों पॉइंट्स एक ही बन रहे हैं, सो दे आर इंटरसेक्टिंग। और बाय पुटिंग लैम्बडा इन टू दिस, अब जो दोनों दोनों पॉइंट सेम है, तो इसमें आप फर्स्ट में लैम्बडा निकाल रख दीजिए या सेकेंड में म्यू रख दीजिए, यू विल गेट द सेम कोऑर्डिनेट अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती होंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ जाएगा अदर देन लाइंस इंटरसेक्ट्स अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट, नहीं तो फिर लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड है कि ये वाली जो चीज है डायरेक्ट, जो मैंने इतना लिखा है इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मीन्स देर इज अ डिटर्मिनेंट मेथड ऑल्सो, राइट। सो यू कैन यूज इट एज अ शॉर्टकट, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। नाउ इफ लाइंस इंटरसेक्ट्स, दैट इज द सेकेंड मेथड। अब मैं सेकेंड मेथड पे आ रहा हूं जो कि शॉर्टकट है और डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। उस पॉइंट को हम समझेंगे कि क्या मतलब पॉइंट कैसे शॉर्टकट बन रहा है। नाउ इफ लाइंस इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स देन, तो देखिए ऐसा होगा कि दोनों लाइंस अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही होंगी इस तरह से, तो इस लाइन पे आप देखिए इस पे कोई जनरल पॉइंट, जो पॉइंट चलाया हुआ है एक पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन है, और इस पे एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू, राइट। और इसकी जो डी आरस हैं वो ए वन बी वन सी वन है, और इस पे जो डी आरस हैं ए टू बी टू सी टू है, दीज आर द डी आरस, राइट। और ये दोनों के डी आरस हैं और वो उस पे एक पॉइंट है। सो व्हाट इज देयर, अभी हमने एक पॉइंट समझा, जो स्पेस में कोप्लेनर लाइंस होती हैं, स्क्यू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बट कोप्लेनर लाइन जो कि नॉन पैरेलल होंगी दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, जो उनको जब वो स्पेस में आगे बढ़ेंगी तो जाके इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। तो वो पॉइंट ऑफ मतलब अगर मान लीजिए कोप्लेनर है, सो विल क्रिएट द थ्री वैक्टर्स, एक वैक्टर ये बन जाएगा, लेट से दिस इज द ए बी पॉइंट, राइट, और एक इसका पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, दैट इज द बी वन वैक्टर। यू कैन राइट द इन वैक्टर फॉर्म, यू कैन राइट द बी वन वैक्टर, और इसको लिखेंगे बी टू वैक्टर, राइट। सो दीज विल बी द पैरेलल वैक्टर्स, तो तीन वैक्टर्स हो गए। इफ द लाइन्स आर कोप्लेनर, व्हाट इज देयर मीन्स हम लिखेंगे कि उससे बनने वाला जो पैरलो पाइप है उसका वॉल्यूम जीरो होगा, वॉल्यूम जीरो होगा, तो वो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते आए थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स विल बी जीरो, तो वही काम कर देना। सो इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट देन दिस इज द शॉर्टकट मेथड, मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक वेक्टर ये बनाएंगे, दैट इज द एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, और इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा बी वन वेक्टर होगा, इसके पैरेलल वेक्टर होगा बी टू वेक्टर होगा। सो व्हाट इज देयर एट, इसको लिखेंगे आप ए बी, ए बी डॉट बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर वाइज लिखेंगे, दैट विल बी जीरो, मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, वॉल्यूम ऑफ पैरलो पाइप इज जीरो। और यू कैन राइट इन दैट कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर ए बी बनाओगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन लिखने का, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय ए वन बी वन सी वन एंड दिस इज ए टू बी टू सी टू एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। नाउ
इफ लाइन इंटरसेक्ट्स देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो तीन वेक्टर बना दिए, दो पॉइंट्स जो लाइन पे दे रखे थे उससे एक वेक्टर बन गया, राइट। और दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर हमने ले लिए, डायरेक्टली उनको उठा लिया। अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये इनके पैरेलल वेक्टर ले लेंगे और यहां से एक वेक्टर ये क्रिएट कर देंगे। सो ऑल थ्री आर कोप्लैनर, और पैरेलल अगर नहीं है लाइंस, ये भी चेक कर लेंगे कि ये वाला वैल्यू जो है इनके डीआरस और इसके डीआरस डिफरेंट होने चाहिए, राइट। दोनों डिफरेंट होना चाहिए तभी होगा। इफ डीआरस ऑफ बोथ लाइंस आर डिफरेंट ऑल्सो, अगर सेम हो गया, सेम हो गया तो फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी आपस में, पैरेलल होंगी तो फिर वो आपस में गड़बड़ हो जाएगी कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, राइट। तो हमें ये चीज पॉइंट चाहिए कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करें तो ये शॉर्टकट मेथड उसमें काम करता है, ठीक है ना। इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीन क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन 2 स्क्रीनिंग 2004 का है, क्वेश्चन 3 2008 का, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये रहा। सो सी क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और इसने वेक्टर फॉर्म में दे रखा है फिर, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस आर इक्वल्स टू आई प्लस जी माइनस के, फर्स्ट लाइन, और सेकेंड लाइन दे रखी है। डायरेक्टली ये चाहता है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बताएं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम दोनों लाइंस पे जो जनरल पॉइंट लेते हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना होता है, और इक्वेट करने के बाद में हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब इक्वेट करते हैं, जैसा मैंने मेथड बताया आपको, उसमें लैम्डा और म्यू निकल जाते हैं। जब लैम्डा और म्यू निकल जाते हैं तो उसको आप थर्ड में प्लेस करके चेक कर लेते हो, तो मालूम पड़ता है कि वेदर द टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग और नॉट, राइट। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं तो वही जो कोऑर्डिनेट है, या तो आप लैम्डा रख लीजिए या म्यू रख के फर्स्ट और सेकेंड में दो, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर सेम, राइट। तो उससे फिर वो पॉइंट निकल जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये चेक करें कि लाइन इंटरसेक्ट भी कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एक्स वन वाई वन पॉइंट जिसको हम लिखते आ रहे हैं, वो पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए ये आ रहा है 1, 1, -1, और जिस पॉइंट को हम लिखते हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, सेकेंड लाइन का पॉइंट जो है दैट इज द 4, 4, -1, 0, राइट। 4i-j है, एंड द पैरेलल वेक्टर्स, तो फर्स्ट लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर होगा दैट इज द दिस वेक्टर इज द 3, 3-1 एंड 0, राइट। सेकेंड लाइन पे पैरेलल वेक्टर हम लिखेंगे दैट इज द 2, 2, 0 एंड दिस इज 3, 2, 0 एंड 3, 2i+3k है, तो j वाला एब्सेंट है इसलिए 0 एंड k। नाउ इफ लाइन इंटरसेक्ट्स, पहले हम यही चेक कर लें, हालांकि फोर्थ पॉइंट है, इफ लाइंस इंटरसेक्ट्स देन, तो देखिए क्या होगा। तो इसमें जो पॉइंट लिखते हैं x2-x1, दिस इज द x2-x1 3, एंड दिस माइनस दिस -2, 0, -1, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और दोनों को पैरेलल वेक्टर्स को यहां लिखना होता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, सो दैट इज द 3-1, 0 एंड दिस इज 2, 0, 3, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। इफ लाइंस इंटरसेक्ट्स देन दिस इज इक्वल टू 0, अदरवाइज नॉट। अगर 0 होगा कोप्लेनर आपस में क्या हो जाएंगी, द लाइंस विल बी कोप्लेनर लाइंस, राइट। इफ द इंटरसेक्टिंग देन इट विल बी इक्वल टू 0, राइट। सो सॉल्व दिस, दिस इज यहां इफ लिख देता हूं मैं, इफ दिस इज 0 देन लाइन इंटरसेक्ट्स, लाइंस इंटरसेक्ट देन इफ दिस इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट समझ आ रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं, 3-3 वैल्यू देगा 0, एंड यहां नेगेटिव लेना तो +2 आ जाएगा, दिस इज 9-0, एंड +1 इंटू दिस इज 0 एंड -2 +2, राइट। और ये वैल्यू से सॉल्व करके देखिए, दिस इज +18 एंड +2, राइट। सो 20, 20-9 इज 11, नॉट इक्वल टू 0, सो लाइन्स नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन्स नॉट इंटरसेक्टिंग। तो हमें यहीं पे मालूम पड़ गया कि लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड में ये बोल रहा है, इफ द लाइन्स
इफ द लाइंस दिस लाइन सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट्स देन वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू। स्क्रीनिंग 2004 का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली अब हम पता है कि अब क्या करेंगे, पॉइंट्स होते हैं, इस पे पॉइंट है फर्स्ट लाइन पे 1, -1, इनको पॉइंट्स को ध्यान से लिख लेंगे। सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट है दिस इज द 3K, 3K एंड 0, राइट। और हम उस डिटरमिनेंट की बात करेंगे, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिखते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी बिकॉज लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स दे आर कोप्लेनर इन स्पेस, दे आर कोप्लेनर इन स्पेस, राइट। सो दिस इज 3 -1, 2 K -K+1, राइट। 0 -1, -1, ये आपका पॉइंट बना, और दोनों के पैरेलल वेक्टर कॉपी करने, दिस इज द 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड द 1, 2, 1, दिस इज 1, 2, 1 इक्वल टू 0, सॉल्व कर देंगे, दिस इज 2 × 3, दिस इज 3 - 8, 3 - 8 - 5 एंड माइनस ऑफ K+1 × दिस इज 2 - 4 - 2, 2 - 4 - 2 एंड -1 × दिस इज 4 - 3, 1 इक्वल टू 0 आएगा, दिस इज -10 एंड प्लस दिस इज 2K+2, दिस इज 2K+2 - 1 इक्वल टू 0। नाउ इट कैन बी रिटन एज 2K एंड -11 + 2 - 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9। नाउ के वैल्यू इज इक्वल टू, देयरफॉर के इक्वल टू दिस इज 2K इज कंफर्म, -11 सो -9, दिस साइड गोज दिस वन 9/2, सो के इक्वल टू 9/2, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। इफ द लाइंस लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ इंटीजर के, 2008 का क्वेश्चन है, एंड अगेन द यू राइट डाउन द पॉइंट, इस पे पॉइंट है 1, 2, 1, 2, 3 और सेकेंड लाइन पे पॉइंट है 2, 3, 1, दिस इज द 2, 3, 1, देखिए दोनों लाइंस पे पॉइंट ही है, पैरेलल वेक्टर हमें दिख रहे हैं इसके, तो हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे, दिस इज 2 - 1, 1 एंड 3 - 2, 1, 1 - 3 - 2, राइट। एंड राइट डाउन द दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और इनके पैरेलल वेक्टर्स आप लिख दीजिए, दिस इज K23, K23 और दूसरे में 3K2, 3K2 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन देखिए, इफ द लाइंस दिस लाइन एंड द सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट देन द इंटीजर के इक्वल टू, इंटीजर के की वैल्यू निकालनी, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 × दिस इज द 4, 4 - 3K, -1 × दिस इज 2K - 9, 2K - 9, -2 × कैन बी रिटन K² - 6, दिस इज K² - 6 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर दो, -3K - 2K+9 -2K² + 12 इक्वल टू 0। नाउ इट कैन बी रिटन एज -2K² - 2K² के वैल्यूज देखिए आप, दिस इज -5K और कॉन्स्टेंट्स को देखेंगे, -2K² दिस इज -5K एंड कॉन्स्टेंट दिस इज 4 + 9 = 13, 13 + 12 एंड द टोटल 25, सो दिस इज 25 इक्वल्स टू 0। नाउ कैन बी रिटन एज 2K² + 5K -25 इक्वल टू 0, सो दिस इज 2K² + 10K -5K -25 इज 0, टेक आउट द 2K कॉमन, सो K + 5 - 5, सो K + 5 इक्वल टू 0, K + 5 इफ यू टेक आउट कॉमन देन इट विल बी 2K - 5 इक्वल टू 0, K = -5 इज देयर एंड K = 5/2, देर आर टू वैल्यूज ऑफ K, एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है -5 और दूसरी 5/2 मिल रही है नॉन इंटीजर वैल्यू, और जो आंसर है इसमें इसने पूछा था यू हैव टू राइट डाउन द इंटीजर देन इंटीजर के इक्वल्स टू, तो देखिए इसमें इंटीजर जो के आएगा ए ऑप्शन राइट आएगा, ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन द ए ऑप्शन करेक्ट। सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सपोज पी पॉइंट इज गिवन अल्फा बीटा गामा ऑन फ्रॉम द लाइन, सो इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये लगभग एप्लीकेशन हम पहले भी जानते ही कर सकते हैं इसको, सो दिस इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एंड द लाइन इज गिवन x - x1 / a,
वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी। लाइन अगर गिवन है तो दिस इज, लेट से दिस इज द पी क्यू, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट, और लाइन ये दे रखी है इक्वल्स टू जीरो, दिस लाइन इज गिवन, राइट। तो इसमें हमें करना ये होता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, वर्किंग मेथड है इसमें, वर्किंग मेथड फर्स्ट ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल पॉइंट हियर, राइट। सो फाइंड जनरल पॉइंट एट क्यू। ये जो क्यू पॉइंट हमने लेट किया है, इस पॉइंट पे एक जनरल पॉइंट लेट कर लेंगे, इसको लैम्डा ले लेंगे, सो दैट लेट पॉइंट बी, और ये पॉइंट देखिए ये हो जाएगा, दैट इज एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई वन प्लस बी लैम्डा एंड जेड वन प्लस सी लैम्डा। दिस इज द एनी पॉइंट हियर पी क्यू। अब पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये है कि सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, लाइन एल पी क्यू लाइन एल के परपेंडिकुलर है, तो हम इसके डीआरस बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे, ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट हमने निकाल लिया, सो डीआरस ऑफ पी क्यू, पी क्यू लाइन के आप डीआरस बना लीजिए, पी क्यू जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डीआरस, सो वो आपके आ जाएंगे एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा, जनरल में लिख रहा हूं सारा, वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा, राइट, एंड जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गामा। तो ये डी आरस हो जाएंगे आपके, एक्स टू माइनस एक्स वन, उसमें से माइनस कर दिया, राइट। जब डी आरस आ जाएंगे एंड डी आरस ऑफ गिवन लाइन जो डी आरस है वो ये रहे, ए बी सी नाइन। सिंस दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल लाइन, सो उनके जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, ए इंटू एक्स वन प्लस ए लैम्डा माइनस अल्फा प्लस बी इंटू दिस वाई वन प्लस बी लैम्डा माइनस बीटा प्लस सी इंटू दिस, सो दिस इज द जेड वन प्लस सी लैम्डा माइनस गामा विल बी जीरो। सो वेन यू पुट दिस इक्वल्स टू जीरो, ये पॉइंट आपको पता होता है, अल्फा बीटा गामा पता है, एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट्स गिवन होते हैं, डी आरस भी मालूम होते हैं, ठीक है। सो अननोन वैल्यू जो है इसमें जैसा लिखेंगे फाइंड, आपको अननोन वैल्यू लैम्डा मिल जाएगी, राइट। व्हेन यू नोज द पॉइंट दिस वन, क्यू पॉइंट मिल जाएगा, देन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर द पी क्यू लाइन्स की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगी, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसी में रिफ्लेक्शन भी निकालने की बात आती है, तो जो सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं इसको, समटाइम्स वी हैव टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट और रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, सो मिरर इमेज जिसे बोलेंगे, तो बहुत आसान काम है, वो ऐसा बताने जैसी बात नहीं है, आपको पता ही होगा कि जब आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो अगर ये मिरर की तरह काम कर रहा है, राइट, तो दैट पॉइंट इज अ पी डैश पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज नोन एज द मिरर इमेज, सो दिस इज द मिरर इमेज। देखिए ये क्वेश्चंस हो गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हो किसी पॉइंट से या फिर इमेज निकालनी हो, तो दो क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड, एंड इन क्वेश्चन वन इमेज ऑफ द पॉइंट वन टू थ्री इन द लाइन, लाइन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपली इमेज, राइट। तो पॉइंट देखिए कि ये पॉइंट है आपका वन टू थ्री, दिस पॉइंट इज अ वन टू थ्री पॉइंट, और इस लाइन के अगेंस्ट इमेज निकालनी है इसकी, सो वी रिक्वायर द इमेज पॉइंट पी डैश पॉइंट चाहिए होगा, राइट, एंड दिस पॉइंट इज अ वन टू थ्री। इस लाइन को आप डायरेक्टली उठा के जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहता है उसमें, तो वो ये लाइन की इक्वेशन हम लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू वाई माइनस सेवन, राइट, इक्वल्स टू जेड माइनस सेवन डिवाइडेड बाय डी आर, ये जो पैरेलल वेक्टर है उसके डी आर यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, दीज आर द थ्री टू
एंड माइनस टू, राइट? तो ये हो जाएंगे, एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द जनरल पॉइंट. सो एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू लैम्डा लिख देंगे. एनी पॉइंट से ये पॉइंट मान लीजिए हम पी एम कर देते हैं, पॉइंट से एम बी, ये जो पॉइंट एम है वो हो जाएगा आपका 6 + 3 λ, 6 + 3 λ, दिस विल बी 2 λ + 7, यानी 7 + 2 λ, 7 + 2 λ, एंड इक्वल्स टू 7 - 2 λ, राइट? 7 - 2 λ, दिस इज एनी पॉइंट. सो डी आर्स ऑफ पहले यहां इसके डी आर्स निकालेंगे, डी आर्स हम पी एम के निकालेंगे, डी आर्स ऑफ पी एम बी, दिस इज 6 + 3 λ - 1, सो -1 मीन्स 3 λ + 5 बचेगा, और इसमें से -2 करना है, सो 7 + 2 λ - 2, सो 2 λ + 5 लिख देंगे आप, राइट? और इसमें से -3 करना है, सो -2 λ और 7 - 3 = 4, सो दीज आर द डी आर्स ऑफ द पी एम लाइन. एंड डी आर्स ऑफ गिवन लाइन के डी आर्स आप देख लीजिए, ये है 3, 2 - 2 है. सो एज पी एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, राइट? सो वी कैन राइट द इनके कॉरस्पॉन्डिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का सम लिख देंगे, इक्वल्स टू 0. दिस इज 3 λ + 5, 3 λ + 5 × 3 एंड +2 λ + 5 × 2 +-2 λ + 4 × -2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, ठीक है? तो ये दे देगा आपको 9 λ + 15 एंड +4 λ + 10 एंड +4 λ - 8 इक्वल्स टू 0. तो देखिए आप 9 और 4 13, 8 4 17 λ, 17 λ 25, सो दिस इज +2 17 +17 इक्वल्स टू 0. चेक कर लीजिएगा, 9 4 13, 13 4 17 λ एंड दिस इज 25 - 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 17 इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से द लैम्डा इक्वल्स टू -1. तो ये लैम्डा अगर -1 मालूम चल गया, तो अब हम ये यहाँ का पर्टिकुलर एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और ये इसमें प्लेस कर देंगे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एम विल बी इक्वल्स टू द लैम्डा -1 इसमें रखेंगे. एनी पॉइंट एम से जो पॉइंट हमने यहाँ पे लेट किया था एम, उसमें वैल्यू रख दो उसकी. सो दिस इज 6 - 3 3, दिस पॉइंट इज 3, 7 - 2, दिस इज 5 3 5, एंड दिस लैम्डा इज -1, तो 7 + 2 ऐड हो जाएगा 9, सो 3 5 9 होंगे ये पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज 3 5 9. अब देखिए ये पॉइंट मालूम है, पी एम पता है, एम के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, दीज आर, और ये आप एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर लीजिए, ठीक है? सो यू कैन से दैट x + 1 ये मिड पॉइंट होगा, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिरर इमेज निकालनी है. सो x + 1/2 इक्वल्स टू 3, इसी तरह से हो जाएगा y + 2/2 इक्वल्स टू 5 और z + 3/2 इक्वल्स टू 9. सो वी कैन से दैट x = 6 - 1 5, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 10 - 2 8 एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 - 3 = 15. से दिस इज 5 8 5, 8 15. नाउ चेक द आंसर, 5, 8, 15. देखिए इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, ये निकल गया, ठीक है? इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन सेकंड में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तो स्लाइटली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है आपको, जिस तरह से लैंग्वेज वो जो बोल रहा है. इसमें क्वेश्चन सेकंड बोलता है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के थ्रू जा रही है, एंड द पैरेलल टू वेक्टर दिस, इस वेक्टर के पैरेलल है, और फिर डिस्टेंस निकालना है. तो देखिए अल्टीमेटली अगर इसका हम डायग्राम देखें ध्यान से, सो दिस पॉइंट इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है. इस पॉइंट को आप कार्टेशियन फॉर्म में लिख लीजिए, -1 - 6, और लाइन जो है, लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, थ्रू द पॉइंट, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस
द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की थ्रू द पॉइंट 2, 3, -4, इस पॉइंट से जाए, तो ये पॉइंट कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, थ्रू 2, 3, -4 इस लाइन को बनाना चाहते हैं एंड पैरेलल टू वेक्टर, और ये जो पैरेलल वेक्टर है बी इसका दिया हुआ है इसने, दिस इज 6i+3j-4k, पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो आप पहले लाइन बनानी पड़ेगी और फिर उसका डिस्टेंस निकालना है, तो अल्टीमेटली आपको डिस्टेंस निकालनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट द पीएम, पीएम ये पॉइंट ध्यान रखें, ये पॉइंट और कहीं भी हो सकता है लाइन पे, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, सो जस्ट राइट डाउन द लाइन, लाइन लिख लीजिए, दैट लाइन इज, दिस लाइन इज अ x-2 x-2/6, y-3/3 इक्वल टू जेड माइन, जेड प्लस फोर हो जाएगा, z+4/-4, दिस इज द लाइन, ठीक है, तो मैं लाइन को थोड़ा स्ट्रेट यहां लिख दूं, ठीक रहेगा, जगह बचेगी, दिस इज द एम, ठीक है, और लाइन हम थोड़ा जगह पे लिख लें इसको, आई वॉन्ट टू इरेज दिस, दिस इज y-3/3 इक्वल टू z+4 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, ये लाइन होगी, और थोड़ा यहाँ स्पेस क्रिएट किया जाए, दिस इज देयर, राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द दैट डिस्टेंस, पीएम डिस्टेंस निकालनी है, ये एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बनाने पड़ेंगे लैम्डा करके, सो पॉइंट एम आपको पता ही है, पॉइंट एम बनाओगे 6 लैम्डा 6 लैम्डा+2, दिस इज 3 लैम्डा+3 एंड -4 लैम्डा -4, दिस इज द एम पॉइंट, सो डी आर्स ऑफ पीएम, पीएम के डीआरस लिखेंगे 6 लैम्डा+2 एंड ये माइनस करते हैं तो +1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 लैम्डा+2 -this एंड 3 लैम्डा+3 -2, सो दिस इज 3 लैम्डा+1 बचेगा एंड -4 लैम्डा -4 एंड -this, सो -4 लैम्डा -10, दीज आर द डीआरस ऑफ द पीएम, और ये लाइन के डीआरस ऑलरेडी हमें पता है, तो ये परपेंडिकुलर है, सिंस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, सिंस पीएम इज परपेंडिकुलर टू लाइन, सो अब आपको सारी चीजें पता ही हैं, फास्ट लिख सकते हैं, 6 लैम्डा+3 × 6 हो जाएगा, प्लस दिस इज 3 लैम्डा+1 × 3 हो जाएगा, राइट, एंड प्लस -4 लैम्डा -10 × -4 हो जाएगा, दिस इज -4 = 0, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज 36 लैम्डा+18 + 9 लैम्डा+3, राइट, एंड प्लस 16 लैम्डा+40, राइट, इक्वल टू 0, तो ओवरऑल जो है 69 45, 45 और 16 51, 45 दिस इज 45, 45 और 16, राइट, दिस इज 61, 45, 16, 61, राइट, 61 लैम्डा एंड द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट इज 21 एंड +40, दिस ऑल्सो 61, लैम्डा इक्वल टू -1, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि लैम्डा को -1 ही निकलवाना बनवाना है हमेशा, ठीक है, सो लैम्डा -1 हो गया, लैम्डा अगर -1 हो गया तो अब आप एक काम करेंगे कि इसमें पॉइंट रख देंगे, तो ये पॉइंट रख देता हूँ, एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से निकाल लेते हैं, -6 + 2 तो -4 आएगा एंड -3 + 3 0, राइट, लैम्डा -1 तो 4 - 4 लैम्डा हो गया आपका माइनस, तो +4 बनाएगा, -4 ये भी 0 ही है, तो ये तो पॉइंट हो गया -4 0 0, देयरफॉर पीएम, पीएम डिस्टेंस निकाल देते हैं, सो दिस इज -1 ऑफ -4, तो +4 - 1 3² हो जाएगा, राइट, एंड +2 - 0 यानी +4, 6 - 0² 36, राइट, सो यू कैन राइट द 9 + 4 + 36 4, सो इट इज 49 7 इज द डिस्टेंस, चेक द आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्टेंस निकल जाती है, देखिए स्ट्रेट लाइन में, 3D की स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस,
और इनके फॉर्मूले हैं, वो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, राइट? व्हेन टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस और व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल इन स्पेस, तो दोनों कंडीशंस होती हैं। व्हेन द टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस, तो उन स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो यूज होता है, और व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल इनटू द स्पेस देन अगेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज देयर। सो दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं एंड दे आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, राइट? स्ट्रेट लाइन में एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये वाली है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब मान लीजिए दो लाइंस इस तरह से दे रखी हो, दिस इज लेट से फर्स्ट लाइन इज द आर वन इक्वल्स टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, राइट? और सेकेंड लाइन जो कि उसके परपेंडिकुलर नहीं है, पहला हम केस ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं केस व्हेन द लाइंस आर स्क्यू लाइंस, राइट? स्क्यू लाइंस का पहले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्क्यू लाइंस व्हेन द लाइंस आर स्क्यू लाइंस, देन सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब देखिए स्क्यू लाइंस को आप इस तरह से समझें, दो लाइंस ऐसी हैं जो कि आपस में दे आर द नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, इसकी डेफिनेशन हमने शुरू में देखी थी, एक बार इसको हटा दिया जाए। एंड स्क्यू लाइंस मीन्स दे आर द नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द स्क्यू लाइंस। वो आपस में पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, तो वो सिचुएशन जो बनाती है, वो सिचुएशन जैसा हम देख रहे हैं ये इस तरह की पोजीशन बना रही है, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, ये लाइन इधर निकल जाएगी और ये लाइन इस तरफ निकल जाएगी, ठीक है? सो बोथ लाइंस विल गो लाइक दिस, और पैरेलल भी नहीं है, दे आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल तो दिख ही नहीं रहा है, राइट? तो अब देखिए इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होती है, अगर मैं इस स्केच पेन को इस पे, ये दोनों लाइंस हैं, अगर इसको इस पे मैं टैप करूँ इस तरह से, ये इसमें ये जो मार रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये जो बीच में एक लाइन क्रिएट हो रही है, वो लाइन होगी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन होगी, एंड दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू सेकेंड लाइन ऑल्सो, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर भी होगी, बिकॉज वो दोनों को अगर मैं इस एक पेन को दूसरे पे छोड़ दूं, ऐसा ऐसा छोड़ दूं, तो ये बीच में जो एक पॉइंट बन रहा है, दिस इज द लाइन क्रिएटिंग, राइट? सिंपली अगर यहाँ से एक इस पे रबड़ बांध देते और उसको अगर स्ट्रेच करते, तो जो रबड़ होगा वो रबड़ की ये पोजीशन होगी कि वो फर्स्ट लाइन के साथ में भी, सपोज रबड़ बैंड इसको दोनों के बीच में बांध दें, सो रबड़ बैंड व्हाट इज देयर, रबड़ बैंड विल क्रिएट वन लाइन, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू सेकेंड लाइन बोथ, तो वो चीज हो सकती है, ठीक है? यहाँ बोर्ड पे ये चीज हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये चीज आप समझ रहे होंगे किस तरह से मैंने क्रिएट किया। अब देखिए इसमें ऐसा होगा, लेट से दिस इज द फर्स्ट लाइन आर वन इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, और सेकेंड लाइन सपोज ये है, लेट से दिस इज द आर टू लाइन ए टू प्लस म्यू बी टू, और इन पे जो पॉइंट्स होंगे, सपोज लेट से देर आर टू पॉइंट्स, पॉइंट ए है, इस पे ए वन वैक्टर है, और इस पे सेकेंड पे जो बी पॉइंट है, लेट से दिस इज द ए टू वैक्टर, राइट? दिस इज गिवन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्रिएट करने वाली जो लाइन है, दिस इज द पी क्यू लाइन, दिस इज द पी क्यू लाइन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपस में भी परपेंडिकुलर है, बोर्ड पे नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, तो उसमें जो उसको रबड़ बैंड से अगर बांध दिया जाए, तो रबड़ बैंड जो होगा फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और सेकेंड वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो वो चीज आप देखिए, यहाँ पे ऐसा होगा, सिंस लेट से दिस इज द फर्स्ट लाइन एल वन इक्वल टू जीरो एंड दिस सेकेंड लाइन इज एल टू इक्वल टू जीरो, राइट? सो सिंस एल वन इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एल टू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और इनकी जो पैरेलल वेक्टर्स है, अगर उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए जाए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए जाए, तो वो वेक्टर जो है दैट विल बी पैरेलल टू पी क्यू, सो यू कैन से बी वन क्रॉस बी टू, इनके पैरेलल वेक्टर्स उठा लेंगे, ये लाइन नहीं लेंगे, इनके पैरेलल वेक्टर्स बी वन क्रॉस बी टू करेंगे, बी वन क्रॉस बी टू इज पैरेलल टू पी क्यू। अब एक काम और करते हैं,
जब बी वन क्रॉस बी टू किया तो इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर और निकाल लेते हैं, राइट। सो लेट एन कैप बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, तो एन कैप वेक्टर जो होगा दैट एन कैप वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, ये बी वन क्रॉस बी टू इसके पैरेलल है इस वेक्टर के, सो उसके मॉड से हम डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज द बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाय बी वन क्रॉस बी टू, इसके मॉड से हमने डिवाइड कर दिया। अभी ये आपको बात समझ आएगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये हमने एक चीज डिडक्शन निकाल लिया, राइट। अब हम अपने पुराने रिजल्ट्स पे जाते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ, हम एक चीज पढ़ते थे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी लिखते थे, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मॉडुलस, इसको इसका यूनिट वेक्टर भी यूज किया जा सकता है। सो देयरफॉर पी क्यू जो है, पी क्यू क्या होगा, दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। देखिए ए पॉइंट किस पे है, ए पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन, बी पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन। अगर इसका हम इस पे प्रोजेक्शन गिरा दें पी क्यू पे, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड लेंथ। तो पी क्यू जिसको हम बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू, राइट। पी क्यू लाइन पे प्रोजेक्शन है। अब इसको सीधा हम इस तो प्रोजेक्शन लिखेंगे तो ए बी लाइन में लिखेंगे, ए बी का वेक्टर आ जाएगा एंड डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे पी क्यू का, पी क्यू के जो एन कैप इसका वेक्टर है, राइट। और यू कैन राइट द ए बी वेक्टर इज ए टू माइनस ए वन, दिस इज ए टू माइनस ए वन, राइट। दिस इज देयर एंड डॉट प्रोडक्ट विद द एन कैप, एन कैप इज द दिस वेक्टर एंड दिस इज बी वन क्रॉस पी टू डिवाइडेड बाय बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस, एंड द होल लेंथ इज इक्वल टू, दिस इज द पी क्यू लेंथ, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। सो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, ये डिस्टेंस लिखनी है तो ये आ चुकी है, दैट इज मीन्स ए टू माइनस ए वन करेंगे, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस पी टू डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ, दो बार मॉडुलस नहीं लिखेंगे तो नीचे आप बी वन क्रॉस बी टू ही लिख दें, बी वन क्रॉस बी टू, राइट। और इसका पूरे का मॉडुलस लिख दें, आप चाहे तो मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू बी रिमेम्बर्ड, इज दैट पी क्यू का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, दिस इज ए टू माइनस ए वन, ये रटा हुआ भी होना चाहिए, ए टू माइनस ए वन डॉट, यहाँ डॉट लगता है बी वन क्रॉस बी टू, राइट, डिवाइडेड बाय बी वन क्रॉस बी टू। चाहे तो मॉड सेपरेट कर ले, लेकिन मॉड दोनों पे लगेगा बिकॉज द इट्स अ डिस्टेंस, सो डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। समटाइम्स द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू, ये कभी नेगेटिव आ सकती है, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए उसको पूरे को मॉड ले लिया, ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन द लाइंस आर स्क्यू लाइंस, ये तभी है व्हेन दिस इज फॉर द स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें दो पैरेलल वेक्टर अलग अलग हैं, दोनों के बी वन और बी टू दोनों के पैरेलल वेक्टर डिफरेंट है, इट मीन्स दे आर द नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, स्क्यू लाइन्स। और अगर दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती, अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग होती तो यहीं पे एक चीज और लिखेंगे, इफ नॉट है, इट्स अ नॉट, यू कैन रिमेम्बर दिस दैट इफ लाइन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन, देखिए तब क्या होगा, तब इसका न्यूमरेटर पोर्शन हम लिखेंगे कि डिस्टेंस विल बी जीरो, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, इस तरह से हमने स्क्यू लाइंस बनाई थी, लेकिन वो नॉन पैरेलल तो ठीक है बट वो इंटरसेक्ट कर गई है, नाउ दे आर टचिंग ईच अदर, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, राइट। अगर डिस्टेंस जीरो है तो उसका जो न्यूमरेटर पोर्शन है वो जीरो होगा। नाउ हियर द ए टू माइनस ए वन डॉट दिस इज बी वन क्रॉस बी टू
दिस वैल्यू विल बी जीरो, दिस इज द कंडीशन, राइट। ये आप ध्यान रखें कि ये कंडीशन बनती है इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी देन यू हैव टू राइट द पी क्यू इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस उनके बीच में जीरो होगी, और डिस्टेंस जब आप जीरो लिखोगे तो न्यूमरेटर पोर्शन जीरो लिखोगे एंड दिस बिकम्स द कंडीशन फॉर द टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेने वाले हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। ये हमने दो लाइन्स बनाई जो कि स्क्यू लाइन्स थी। अब दो लाइन्स सपोज पैरेलल हो इन स्पेस देन व्हाट इज द फॉर्मूला इन टू इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, वो उसके बाद लेते हैं। देखिए वही, अगर दो लाइंस जिसकी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली टू लाइंस की, स्क्यू लाइंस के केस में हमने फॉर्मूला क्रिएट किया इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, सेकंड केस इज द इफ टू लाइंस आर पैरेलल इन स्पेस, तो वो लाइंस इस तरह से बनती हैं, दिस इज स्पेस यू सी एंड दीज आर द टू लाइंस एंड दे आर इन स्पेस दे आर पैरेलल ऑल्सो, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फॉर्मूला क्रिएट करना है, और उसका डायग्राम देखिए इस तरह से आएगा, टू लाइंस भी दे आर पैरेलल एंड वी कैन क्रिएट द टू लाइंस आर वन इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा बी एंड डेफिनेटली देयर पैरेलल वैक्टर विल बी सेम, तो यहाँ पे लेमडा बी लिखेंगे, आर टू इक्वल्स टू ए टू, ए टू प्लस दिस कैन बी रिटन एज म्यू बी, सो पैरेलल वैक्टर इज सेम बोथ, दोनों लाइन्स का एक ही होने वाला है, राइट। और इस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑन द लाइन, दिस इज ए वन एंड लेट से बी पॉइंट, एंड बी पॉइंट इज अ ए टू वैक्टर, पोजिशन वैक्टर गिवन, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए, और आप एक काम करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए, राइट, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट से दिस इज द बी एम, बी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो लेट से द एंगल बिटवीन दिस पैरेलल वेक्टर एंड दिस इज थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, और देखिए यहां मैंने थोड़ा शॉर्ट में बात को समझाने के लिए इसमें दूसरा एक और डायग्राम नहीं क्रिएट किया है, डेफिनेटली ये जो लाइंस हैं दोनों ये किसी एक पैरेलल वेक्टर बी के पैरेलल होंगी, क्योंकि ये ओरिजिनल अगर लाइंस है तो इनका पैरेलल वेक्टर इसमें डिफरेंट जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल वेक्टर इसका हमने बी ले लिया, राइट। और जो चीज हमें बी एम निकालनी है, बी एम सो दिस कैन बी रिटन एज बी एम इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा इधर जाएगा एंड ए बी साइन थीटा इधर जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी साइन थीटा, और ए बी का मॉडुलस लेंगे दैट इज इक्वल्स टू द ए बी लेंथ एंड ए बी एंड रिजॉल्व वर्टिकली, वर्टिकली रिजॉल्व किया तो दैट इज ए बी साइन थीटा, राइट। दिस इज द वैल्यू एंड नाउ सी दिस कैन बी रिटन एज दिस इज ए टू माइनस ए वन और मॉड्यूलस हो जाएगा दैट लेंथ इज इनटू साइन थीटा, लेट से द रियल फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब एक चीज देखते हैं हम, देखिए अगर हम पैरेलल वेक्टर जो बी लिख रहे हैं उसको अगर उससे प्रोडक्ट कर दें, ए बी क्रॉस बी की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए क्या आएगी, दैट विल बी द ए बी मॉड्यूलस ऑफ ए बी मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, एंगल बिटवीन दम उनका साइन होता है, सो दिस इज द ए बी, ए बी एंड द क्रॉस बी, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू राइट द साइन ऑफ थीटा, राइट। नाउ सी वी कैन राइट द वैल्यूज, ए बी को आप लिखेंगे ए टू माइनस ए वन, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी के साथ में, इसको मॉड ले लेंगे, राइट। और ए बी को हम ये लिखते हैं ए बी साइन थीटा को, ए बी साइन थीटा को बी एम लिखते हैं, दिस इज ए बी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू बी एम इंटू मॉडुलस ऑफ बी, सो बी एम, बी एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी एम इक्वल्स टू, बी एम इक्वल्स टू जस्ट दिस इज डिवाइडेड बाय दिस वन, ए टू माइनस ए वन एंड ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी का मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ बी, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है, और या जिस तरह से बुक्स में लिखा होता है तो वो होता है ए टू माइनस ए वन राइट क्रॉस बी लिखा होता है एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा, और इसका पूरे का मॉडुलस ले लेगा, रीजन ये है कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू बिकॉज द
इट इज अ डिस्टेंस, सो इट शुड बी पॉजिटिव, राइट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ये फॉर्मूला इस तरह से आता है, राइट। बुक्स में थोड़ा स्लाइटली उसको डिफरेंट यहाँ से लिया हुआ है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के हिसाब से इस तरह से ले लिया। आप पैरेलल वेक्टर उसके ऊपर भी ले सकते हैं, और जिस तरह से मैंने किया वो वर्कआउट आसान है। तो बात समझ आ रही होगी आपको। एंड यू हैव टू रिमेम्बर टू फॉर्मूलास। देखिए, स्क्यू लाइंस अगर हैं तो A2 - A1, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहाँ PQ से लिखते हैं, कैसे भी लिखो, डॉट आएगा, B1 × B2 होता है, डिवाइडेड बाय B1 × B2 मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस होगा, और यही दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ये फॉर्मूला होगा। आपको मैं फॉर्मूला याद करा देता हूँ, ठीक है, हमेशा याद रखें, A2 - A1 दोनों में आता है, और अगर लाइंस पैरेलल हुई तो उसका पैरेलल वेक्टर एक ही आएगा, और उसके साथ में यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि ये डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है और इस जगह पे इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही डिफरेंस है। बाकी तो जो B1 × B2 है तो उसी का मॉड नीचे डिवाइड है, जो यहाँ वेक्टर है उसी का मॉड यहाँ डिवाइड है, तो ये तो बात आपको याद रहेगी। जो दोनों में डिफरेंस याद रखना है वो ये याद रखना है कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, इन केस ऑफ स्क्यू लाइंस दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन बिटवीन द वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और उसी वैल्यू से यहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, तो फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे। डेरिवेशन तो हमने समझा, बाकी फॉर्मूले याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, तो ये दोनों में ये फर्क है, और ये फॉर्मूले इस तरह से काम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। पहले हम ये चेक कर लें पैरेलल वेक्टर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। पैरेलल वेक्टर -4, 3, 2 है, -4, 1, 1 है, तो ये क्लियर है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर डिफरेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये 2, 3, 4 है, पैरेलल वेक्टर है, राइट, और दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसको लिख दिया उसने 4, 6, 8, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6, 9 एंड 12। अब इस तरह से दो पैरेलल वेक्टर लिख के देगा, B1 और B2 दिखाएगा, बट दीज आर नॉट बेसिकली डिफरेंट पैरेलल वेक्टर, राइट, दे आर द सेम पैरेलल वेक्टर, बिकॉज इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 3, 4 मिलेगा, और इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको अगेन 2, 3, 4। सो दिस इज द सेम पैरेलल वेक्टर B, और कंफ्यूज करने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, सेकेंड वाली लाइन में उस पैरेलल वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, जस्ट टू कंफ्यूज यू, राइट। तो वो आप उसको डिवाइड कर लें और वापस चेक कर लें कि लाइन पैरेलल तो नहीं है, ये सिंप्लीफाइड होने चाहिए, ठीक है, वो है ही है। तो देखिए, फर्स्ट वाली पे जो पॉइंट देख रहे हैं वो है हमारे पास में -3, -3, 6, 0, राइट, और A2 जो पॉइंट है दैट इज दैट पॉइंट इज द -2, 0 एंड 7, दिस इज देयर A2 - A1 कर लेंगे, A2 - A1 आप निकाल लीजिए, सो दैट इज द 1, -6, दिस इज -6 एंड 7, दिस A2 - A1 पॉइंट, उसको क्लियरली अगर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, ऐसा भी लिखा रहता है कई बार, I - 6J + 7K, दिस इज द वेक्टर A2 - A1। और इधर आप बेटर है, शॉर्टेस्ट वर्किंग मेथड ही बता रहा हूँ, इसमें B1 × B2 अलग से निकालो, फिर B1 × B2 का मॉड से डिवाइड करेंगे और उसको डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वही ज्यादा बेटर मेथड है, ठीक है। सो जस्ट फाइंड आउट द B1 × B2, B1 × B2 इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालेंगे। B1 देखिए आप दे रखा है, इसने B1 दिया हुआ है -4, 3, 2, राइट, -4, 1, 1, और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे इसका, सो दिस इज द 3 - 2, 1, -J⁄ एंड -4, दिस इज -4 + 8, राइट, प्लस K⁄ × दिस इज द -4, -4 + 12, +12, इसको सेट कर लीजिए, सो दिस इज +4, सो -4 J⁄, राइट, एंड +8, 8 K⁄, सो दिस इज द B1 × B2। नाउ अब आप नेक्स्ट निकालोगे A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2,
ये वैल्यू निकाल लेंगे। इधर हम इसी के मॉड से डिवाइड भी करेंगे, सो दिस इज द 8 2 माइनस 7, इसको डॉट प्रोडक्ट इससे ले लेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज +24, राइट, 6 4 जा 24 एंड 56, राइट, दिस इज देयर। एंड बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस निकालेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 एंड +64, देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं, दिस इज दिस वैल्यू, तो ये हो गई आपकी 25, राइट, 25 और 56, 81, दिस इज 81 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, राइट, दिस इज 64, 64 प्लस 17, दिस इज अगेन 81, दिस इज √81, राइट, दिस इज √81, सो 81 अपॉन दिस इज 9 एंड द अल्टीमेटली आंसर इज 9। नाउ सी द आंसर, इसमें फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, बस ये तो आपको सिंपली इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसमें कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें आप देखिए वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, सो a2 - a1, और यहाँ पहले काम यही चेक करने का है कि ये डिफरेंट है ना, पैरेलल वेक्टर्स चेक कीजिए, 2 3 4 है, इधर 3 4 5 है, सो दीज आर डिफरेंट, इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्यू लाइंस है, दीज आर द स्क्यू लाइंस, वही फॉर्मूला लगेगा, a2 - a1 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, a2 - a1 लेंगे और इसमें से डायरेक्ट माइनस करते हैं, 2 - 1 तो i कैप आएगा, 4 - 2 + 2j कैप आएगा, राइट, एंड 5 - 3 + 2k कैप आएगा, ये काम हुआ, ठीक है। एंड b1 क्रॉस b2 कर दीजिए आप, b1 क्रॉस b2 वैल्यू निकाल लेंगे, b1 दे रखा है इसने, दैट इज द आई जे के, राइट, 2 3 4 2 3 4 एंड 3 4 5, दिस इज 3 4 5, सो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस इज 15 - 16, 15 - 16 -j कैप इनटू दिस इज 10 - 12, सो -2, 10 - 12, राइट, -12 एंड +k कैप इनटू दिस इज 8 - 9, सो -1 बचेगा, ठीक है, -i कैप +2j कैप, 2j कैप -k कैप, ये हो गया आपका b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 का यही हैंड टू हैंड जो है इसका मॉडुलस भी देख लीजिए, सो दिस इज 1 + 4 + 1, सो √6, दिस इज √6, देयरफॉर अब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखने जा रहे हैं, दैट इज द a2 - a1, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करेंगे और उसी के मॉड से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको, राइट, सो a2 - a1 दिस वेक्टर और b1 क्रॉस b2, इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो दिस इज -1 - 1 + 4 एंड -2 डिवाइडेड बाय दिस इज √6, √6 मॉडुलस पूरे का आप ले लोगे, तो 4 - 3 इज 1, 1/√6, आंसर चेक कीजिए, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन आंसर, उसमें ये ऑप्शन राइट होगा, सो दिस इज द 1/√6, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और चेंज कर देता है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में कैसे चेंज करेगा, अगर लाइन सपोज इस तरह से दे रखी हो जैसा मैंने क्वेश्चन 3 में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 लाइन फिट चेंज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, लाइन देखिए आप आई जे के फॉर्मेट में लिखी है, इसमें उसने जो पैरामीटर टी चलाया हुआ है, दिस इज टी, और इसमें एस चलाया हुआ है, यहाँ पे एस है, सो उसको पूरा सेपरेट करना पड़ेगा, उसको लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। क्वेश्चन 3 आप ऐसा चेंज करेंगे, दिस इज द 1 - t 1 - t i कैप प्लस दिस इज t - 2j कैप प्लस 3 - t k कैप, तो इसमें ऐसा करेंगे, दिस इज द आर वेक्टर, सो पहले आप लिखें टी के कॉफिशेंट को, राइट, तो टी के कॉफिशेंट को हम लिखना चाहेंगे, टी के कॉफिशेंट में आ रहा है -i कैप, राइट, यहाँ टी के कॉफिशेंट में आ रहा है सिंपली जे कैप प्लस जे कैप, और टी का कॉफिशेंट यहाँ पे आ रहा है -k कैप, राइट, ये लिख दिया, और बाकी ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, सो दिस इज द आई कैप, राइट, -2j कैप एंड +3k कैप, देखिए लिखने का तरीका ऐसा ही रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, मालूम चलेगा क्या किया हमने, ठीक है, सो दिस इज द
स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लाइन, और सेकेंड लाइन को भी ऐसे ही चेंज कर दीजिए, सेकेंड लाइन जो कि उसने एस के साथ में दी हुई है, एस प्लस वन पैरामीटर उसने एस चलाया हुआ है, दिस इज द 2s-1 इंटू जे कैप एंड माइनस माइनस अंदर कर देता हूं मैं, माइनस का 2s-1 के कैप, सपोज इस तरह से लिखा। सो उसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसको आप वही करें, यहाँ पे एस टाइम्स ले लें पहले, एस टाइम्स एस का कॉफिशियंट, तो यहाँ पे आई कैप आएगा, एस का कॉफिशियंट प्लस 2j कैप आएगा, एस का कॉफिशियंट 2j कैप आएगा, और एस का यहाँ कॉफिशियंट माइनस का 2k कैप आएगा, बाकी बचा हुआ पोर्शन यहाँ लिखना। सो दिस इज आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप, राइट, इस तरह से लिख देंगे बीच में प्लस। सो दिस इज द टू लाइन्स आर सेपरेटेड, और इसको आप चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है, अलग अलग ही होने चाहिए, पैरेलल वेक्टर डिफरेंट ही है, सो इस वजह से फॉर्मूला वापस वही यूज होने वाला। सो विल फाइंड आउट द ए टू माइनस ए वन, सो ए टू माइनस ए वन यहाँ जीरो आएगा, जीरो टाइम्स ऑफ आई, और के में हो जाएगा प्लस का जे कैप, राइट, और के में हो जाएगा माइनस का 4k कैप। दिस इज ए टू माइनस ए वन, b1 क्रॉस b2 निकाल दोगे, b1 क्रॉस b2, नाउ सी दिस इज द b1, राइट, सो i j k कर देने का, और इसमें माइनस वन कॉफिशियंट है, और सेकेंड आर में देखिए इसमें आ रहा है 1, 2 एंड -2, राइट, इसको सॉल्व करना है, सो दिस इज -2 एंड +2 जीरो, जैसे -2 +2 0, -j कैप इनटू 2 + 1, दिस इज +2 एंड +1, सो 3, एंड प्लस k कैप इनटू दिस इज -2 -1, सो -3, तो अल्टीमेटली जो है हमें मिल गया 0 टाइम्स ऑफ i कैप -3j कैप -3 k कैप, राइट, ये b1 क्रॉस b2 है, यहीं पे आप इसका मॉड भी निकाल दें बेटर रहेगा, ठीक है। सो इसका मॉडुलस निकाला, सो दैट मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 9 + 9 18, 18 है तो उसको लिखोगे आप, 18 को लिखोगे अंडर रूट ऑफ 3√2, दिस इज 3√2, राइट, सो दिस वैल्यू इज 3√2, 3 जा 9 एंड √2। नाउ जस्ट वी वांट द बी ए टू माइनस ए वन हो गया हमारे पास में, ये इसका मॉडुलस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अल्टीमेटली आ जाएगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन को डॉट प्रोडक्ट करना है बी वन क्रॉस बी टू से, तो ये ए टू माइनस ए वन और ये हमारे पास में बी वन क्रॉस बी टू, तो ये तो वैल्यू जीरो देगा, न्यूमरेटर में ये लिखेंगे, ठीक है, और +1 और -3 तो अल्टीमेटली -3, राइट, एंड दिस इज -4 -3, सो +12 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, वो आ गया 3√2, इसको डिवाइड कर दिया, ये 12 आएगा, ठीक है, सो 12 12 -3 दिस इज 9 9/3√2, सो इट कैन बी रिटन एज 3/√2, 3/√2, आंसर चेक कीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 10th of January 2019 जेई मेन का ये क्वेश्चन है, और देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद हम एक एक सिचुएशन समझ के अगर वर्कआउट करेंगे सारी चीजें, रॉ मटेरियल लाइन से लिख लेते हैं तो बात सारी समझ में आ जाती है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -431 पैरेलल टू दिस प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, सो दीज आर द फोर ऑप्शंस आर गिवन, कि वो लाइन कौन सी होगी जो कि इस पॉइंट से पास होती है, पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो वन बाय वन लिखते चलिए। ऐसा करेंगे, प्लेन गिवन है तो ये जो लाइन है पैरेलल टू दिस प्लेन है, सो नंबर वन पॉइंट की अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उसके डी आर हम लेट कर लेंगे ए बी सी, राइट, और ये पॉइंट एक इस पे दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन तो आप डायरेक्ट बना दोगे कि x+4/a = y-3/b = z-1/c, दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, और ये प्लेन दे रखा है x+2y, x+2y -z -5 = 0,
ठीक है, तो इसके जो डी आरस है और इसके जो नॉर्मल के डी आर है प्लेन के आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसको आप लिखोगे ए इंटू वन प्लस टू इंटू बी टू बी एंड माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। तो एक कंडीशन ये मिल गई, जो लाइन हमें रिक्वायर्ड है उसमें खाली डी आर सी है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बोलता है कि ये जो लाइन हमने क्रिएट किया है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, तो ये लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, और ये लाइन आपकी दे रखी है एक्स प्लस फोर बाय ए वाई माइनस थ्री बाय बी इक्वल टू जेड माइनस वन बाय सी, एंड इंटरसेक्ट किस लाइन को करती है, ये लाइन दे रखी है एक्स प्लस वन बाय माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाय टू इक्वल टू जेड माइनस टू बाय माइनस वन, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो आपको डिटरमिनेंट पता होगा, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग होती हैं, दिस फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो उसमें एक डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन और ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू एंड दैट मेक्स द इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन, इस पे जो पॉइंट है, इस पे पॉइंट है माइनस फोर थ्री और वन है, राइट। और सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट है वो आपका माइनस वन थ्री और टू है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, माइनस वन ऑफ और ये प्लस फोर हो जाएगा, तो दैट विल मेक द, चलिए यहाँ डिटरमिनेंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सो इसमें से अगर दिस माइनस दिस मीन्स माइनस वन ऑफ प्लस फोर सो थ्री, ठीक है, थ्री माइनस थ्री जीरो एंड टू माइनस वन इज वन, ठीक है, और फर्स्ट वाले के डी आर लिख देंगे ए बी सी, और सेकेंड लाइन के डी आर सी एर नीचे माइनस थ्री टू माइनस वन, इसको आप जीरो लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, थ्री इंटू माइनस बी, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए पक्का, थ्री इंटू दस इज माइनस बी एंड माइनस टू सी, जीरो से नहीं आ रहा, प्लस वन इंटू एंड दिस इज द टू ए प्लस थ्री बी, टू ए प्लस थ्री बी हो जाएगा ये, एंड इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो वैल्यू मिलेगी हमें, एक तो टू ए आएगा, टू ए प्लस थ्री बी माइनस थ्री बी खत्म, और सी की वैल्यू देखो माइनस सिक्स सी आ रहा है, माइनस सिक्स सी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट इज ए माइनस थ्री सी, ए माइनस थ्री सी या ए इक्वल टू थ्री सी हो गया। जब ए की वैल्यू थ्री सी हो गई, और एक रिलेशन हमें ए बी सी में ये वाला भी था, ए प्लस टू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू थ्री सी हो चुकी है, बी की वैल्यू निकालनी है, और वो भी सी के टर्म्स में, सबको सी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, सो देयरफॉर वो हमें डी आर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ थ्री सी पुट करोगे, थ्री सी प्लस टू बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सो दैट इज द टू बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू माइनस सी, गाइस बी की वैल्यू माइनस सी हो जाएगी, और सी तो सी है ही है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं डी आर्स, तो थ्री माइनस वन वन हो जाएंगे। अब जो लाइन है, लाइन में आप देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री जेड माइनस वन, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये तो सब में सेम दिखा रहा है, देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, खाली डी आर्स में फर्क कर रखा है इसने, और डी आर्स हमारे पास आ चुके हैं थ्री माइनस वन वन, सो थ्री माइनस वन वन ये रहा, और किसी से इसके मल्टीपल में कहीं मैच भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी क्रॉस चेक कीजिए आप, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, या ठीक है, एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री जेड माइनस वन तो चारों में है, बस खाली डी आर हमने निकाले, डी आर हमने निकाले थ्री माइनस वन एंड वन, राइट। तो ये आपने मैच कराए, बिल्कुल लास्ट में जब आप ये आंसर मैच कर रहे होते तो थोड़ा सा शांति से काम करें इस मामले में, तो सही आंसर रहता है, अदरवाइज जल्दीबाजी में गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। यस गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 11th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन। क्वेश्चन बोलता है कि टू लाइंस एक्स माइनस थ्री बाय वन वाई प्लस वन बाय थ्री, ये एक लाइन दे रखी है एंड सेकेंड लाइन दे रखी है इंटरसेक्स एट द पॉइंट आर, तो ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ आर, तो ये जो आर पॉइंट हम निकालेंगे,
रिफ्लेक्शन ऑफ आर इन एक्स वाई प्लेन हैज द कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये चीज का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि जब किसी पॉइंट को अगर दोनों प्लेन तीनों प्लेन है उनके रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन लेनी होती है तो किस तरह कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। ठीक है, पहले हम एक काम करें कि दोनों का जो दोनों लाइंस दे रखी हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे आर पे है, तो जो पहली लाइन है उस पे तो लेकिन पॉइंट आप डिफरेंट लोगे, राइट? तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे कुछ लैम्डा ले लोगे, राइट? इसको इसी कलर से लिखे, यहाँ पे लैम्डा ले लेंगे और इधर म्यू ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इस पे जो जनरल पॉइंट है वो लिखता हूँ, इस पे पॉइंट आ जाएगा आपका λ+3, λ+3, दिस इज द λ+3 एंड 3λ-1, 3λ-1 एंड दिस इज -λ+6, -λ+6। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली लाइन पे पॉइंट होगा। सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो म्यू इक्वल टू म्यू लिया, 7μ-5, तो दिस इज 7μ-5। ठीक है, -6μ+2 हो जाएगा एंड दिस विल बी द 4μ+3, 4μ+3, बराबर है। अब पॉइंट ये है कि जो इस पे हम जनरल में या यहाँ पे अलग अलग दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट लेके और इस तरह से लिख रहे हैं, बट दीज पॉइंट्स बोथ पॉइंट्स आर सेम, ये दोनों पॉइंट आर पॉइंट ही हैं। सो एज λ+3 इज इक्वल टू 7μ-5, ये इक्वल है, तो λ-7μ इक्वल टू -8 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये बना दी हमने, λ-7μ, इसको हम लिखें ग्रीन कलर से, 7λ-7μ इक्वल टू -8, लेट से फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड ये दोनों इक्वेट कर दो, थ्री लैम्डा माइनस वन इक्वल्स टू -6μ+2। ठीक है, तो 3λ+6μ इक्वल्स टू 3, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो, λ+2μ इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस हो गई, सॉल्व करना है और लैम्डा म्यू निकालना है, फिर आप वो पॉइंट डिसाइड कर चुके होंगे एंड देन फिर तो सारा काम हो जाएगा आपका। तो λ+2μ इक्वल्स टू दिस इज 1, दिस द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया तो -9μ इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, -μ, सो म्यू इक्वल्स टू 1 आ गया गाइस। तो ऐसा करें, अब म्यू इक्वल्स टू 1 रख के पॉइंट ही निकाल दे सीधा, तो म्यू अगर यहाँ रखेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो म्यू अगर 1 पुट करेंगे, म्यू 1 पुट करेंगे तो 7-5 ये पॉइंट आएगा 2। ठीक है, म्यू 1 पुट -6 ये भी -4 होने का, और म्यू 1 तो 4 और 3 7 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आर पॉइंट हो गया गाइस, ये आर, ठीक है, पॉइंट आर, दिस इज द पॉइंट आर। कोई जरूरी नहीं है कि लैम्डा निकालो, लैम्डा की जरूरत नहीं है, अगर हमने म्यू निकाला तो यहाँ प्लेस करके पॉइंट निकल गया, और लैम्डा निकल गया होता तो वहां पुट करके भी वही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में अगर किसी, मैं तो जनरल में बात बता रहा हूं, एक बार एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, फिर हम क्वेश्चन में देख लेंगे, थोड़ी थ्योरी चल जाए यहाँ पे हल्की सी, कि अगर एक्स वाई प्लेन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्शन लिया जाता है तो उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज सेम रहते हैं, जेड चेंजेस साइन, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, वाई जेड में वाई जेड सेम रहता है, एक्स चेंजेस बाय साइन, साइन से चेंज कर देता है। अगर जेड एक्स प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन की बात चल रही है तो जेड एक्स सेम रहेगा, तो वाई चेंजेस बाय साइन, बाई साइन का मतलब उसका खाली साइन चेंज करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। अभी हमारे को जो क्वेश्चन पूछा था एक्स वाई प्लेन में पूछा था, ठीक है, तो हमने जो पॉइंट निकाला 2-4 7 निकाला, 2-4 7 निकाला, तो एक्स वाई सेम रहना है और ये वाला चीज चलनी है, तो जेड चेंजेस विद द साइन, तो सो रिफ्लैक्शन, तो जो रिफ्लैक्शन इसमें निकालना था गाइस वो आ जाएगा आपका 2-4, सेम रहेगा, 7 वाला साइन चेंज करेगा, बस काम खत्म।
ठीक है ना। सो दिस इज 2 -4 -7 आएगा। ये क्वेश्चन अगर कोई सा भी पूछ लेता तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता दी मैंने यहाँ पे, इस तरह से आप काम कर लेते, ठीक है। सो दिस इज 2 -4 -7, 2 -4 -7, 2 -4 -7, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है, यस। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दिस थर्ड ऑप्शन इज 2 -4 -7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 अप्रैल 2019 जेई मेन मॉर्निंग सेशन, और इसमें ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पहले पढ़ना जाएगा, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 -1 4 ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस इज। ओ बहुत, ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ 3D, ठीक है। जो हम वर्कआउट करते हैं वही इन्होंने उठा के दे दिए सीधे सीधे। अब आप देखिए, ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज अ 2 -1 4। इसका तो डायग्राम वगैरह भी, और लाइन पे जा रहा है, लाइन पे, सॉरी, इट इज ऑन द लाइन। सो रिमूव दिस, राइट, इट इज ऑन द लाइन, राइट। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यू हैव टू ड्रॉ। अब यहाँ पे देखिए, इस पे जो डी आरस है, डी आरस इसके लिख देंगे फटाफट, वो दिख रहे हैं आपको, 10 -7 10 -7 1, वो हो गया। यहाँ पे एक जनरल पॉइंट हमें लेट करना होता है, तो यहाँ पे कुछ लैम्डा वगैरह लिख के और उसको लेंगे। सो लेट से लैम्डा, सो दैट विल गिव यू द जनरल पॉइंट हियर, और जनरल पॉइंट ये हो सकता है, दिस इज पी क्यू लेट से। तो जो क्यू के पॉइंट है, जनरल में हम क्यू को ये लेट करेंगे, दैट इज द 10 λ-3, 10 λ-3, एंड -7 λ -7 λ+2, एंड दिस इज लेमडा, ओनली लेमडा, राइट। तो ये पॉइंट ये हो गया। तो यहां से अभी हम डी आरस निकालेंगे पी क्यू के, ठीक है। सो डी आरस ऑफ पी क्यू, डी आरस ऑफ पी क्यू वैक्टर, तो इसमें से इसको माइनस होना है, ठीक है। सो 10 λ-3 -2, सो 10 λ-5, राइट, एंड -7 λ+2, और ये माइनस हो रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा, -7 λ+3 हो जाएगा, -7 λ -7 λ+3 हो जाएगा, एंड λ-4 λ-4 ये हमारे पास में है। और इस तरह से जो लाइन गिवन है उसके डी आरस अवेलेबल है, राइट। तो डी आरस ऑफ लाइन, दीज आर द 7 10 -7 1, 10 -7 1। सो एज ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में एक दूसरे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन, गिवन लाइन, तो उसको आप डायरेक्टली ऐसा लिखते हो, 10 × 10 × 10 λ-5, -7 × -7 × -7 λ+3, एंड प्लस λ-4 × 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 100 λ-50 एंड प्लस 49 λ-21 प्लस λ-4 = 0, -4 = 0, राइट। तो आप देख लीजिए कितने आ रहे हैं, ये 100 λ भाई, दिस इज 100 λ, राइट। तो हो गया हमारे पास में 100 λ, 49 λ प्लस λ, 150 λ, दिस इज 150 λ। और कांस्टेंट्स हम देखते हैं, कांस्टेंट हमारे पास में हो रहे -25 एंड -75, तो इधर जाएगा तो 75, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/2। जब लैम्डा निकल गया तो आपका ये पॉइंट डिसाइड हो जाएगा, वी कैन से द क्यू पॉइंट। जब क्यू पॉइंट डिसाइड हो जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस लगा ही देंगे, क्यू जो है लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 1/2, उससे आपका क्यू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द क्यू पॉइंट एंड दैट लैम्डा इज 2, तो 5 - 3 = 2, और -7/2, -7/2, -7/2 + 2, राइट। तो दिस इज 4 - 7 - 3/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और लैम्डा 1/2 हो गया। अब आपके पास में क्लियर जो पॉइंट है, ये 2 - 3/2, 1/2 आ गया गाइस, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देने का इसमें, पी क्यू जो डिस्टेंस है वो लिख लेंगे,
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए, एक मिनट, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 है पी, 2 माइनस 1 4 है ये, एंड 2 माइनस 3 बाई 2 2 माइनस 3 बाई 2 एंड 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2, ये क्यू पॉइंट डिसाइड हुआ हमारा, ठीक है। तो डिस्टेंस लगा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, एंड दिस इज द, इसमें से इसको माइनस कर, 3 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4 आएगा, एंड 4 माइनस हाफ दैट इज 3 एंड हाफ, 7 बाई 2, सो 7 बाई 2 49 बाय 4, सो दैट कैन बी रिटन एज अ √50/4, नाउ कैन बी रिटन एज 25/2, कैन बी रिटन एज 5/√2, और ये जो वैल्यू है गाइस, इसको अगर हम 5/1.414 देखेंगे, तो यहाँ जो आंसर्स किए हुए हैं उसने, वो अलग स्टाइल में किए हुए हैं आंसर्स, उसने लिखे दिस लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, लेस देन 2, ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4, राइट। इसका थोड़ा जजमेंट ले लो क्या है ये, तो 5 को अगर 1.4 से डिवाइड करते हैं, 1.5 से भी डिवाइड करते हैं, तो ग्रेटर देन 3 वैल्यू आ जाती है, 1.5 से भी, 4.5 से भी वैल्यू ऊपर होती है, ठीक है। तो ये 3 से बड़ी वैल्यू है, एंड ग्रेटर देन 3 वैल्यू है, लेस देन 4 है, लेस देन 4 है, ठीक है। सो दिस वैल्यू वट एवर इट इज, दिस पी क्यू, पी क्यू इज लाइंग बिटवीन 4 एंड 3, बस वही आंसर करना है। तो इसका जो आंसर है ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th of January 2020 और जेई मेन का, ठीक है। तो ही सेज दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये गिवन है, सेकेंड लाइन गिवन है, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें कुछ करना ही नहीं है, वी नो, इफ यू नो द फॉर्मूला तो वो सारा काम हो ही जाएगा। इस पे आप जो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, एस डी, जिस तरह से हम याद करते हैं, ए टू माइनस ए वन वैक्टर होता है, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2, राइट, डिवाइडेड बाय इसी B1 क्रॉस B2 को डिवाइड करेंगे मॉड लेके, और यहाँ टोटल मॉड यहीं लिख दो टोटल मॉड, तो ये भी मॉडुलस ही निकालना है वैसे तो, ठीक है। तो अब आपको काम क्या करना है कि पहले A1 A2 और B1 B2 सारे निकालने हैं, बी, दिस इज B1 B2, ठीक है। A1 A2 आर द पॉइंट्स ऑन द टू लाइंस, एंड B1 B2 आर द पैरेलल वेक्टर्स, सभी को अच्छी तरह से पता है। A1 लिखेंगे, A1 इज अ 3i प्लस 8j प्लस 3k, ठीक है, और A2 पॉइंट होगा, या इसको मैं बिल्कुल कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख देता हूँ, 383, ऐसा लिखना ठीक रहेगा। जो A2 पॉइंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A2 सेकेंड पॉइंट ऑन दिस लाइन, सो दैट इज द -3 -3 -7 एंड 6, ये बस थोड़ा ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए कर दीजिए। B1 अगर लिखेंगे, B1 पैरेलल वेक्टर है, तो 1 4 22 शॉर्ट में लिख रहे हैं, और B2 सेकेंड लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर है 1 1 और उसके DRs, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, क्यों B1 क्रॉस B2 यहाँ दोनों जरूरत पड़ेगी, सो B1 क्रॉस ये क्वेश्चन बहुत इजी है, B1 क्रॉस B2 IJK, राइट, और B1 में जो है आपको आ रहा है 1 4 22 1 4 22, सेकेंड में आएगा 117 117, कॉल कर लेंगे I cap into दिस इज 28, ठीक है ना, 28 माइनस 22, सो दिस इज 6, माइनस J cap into 7 7 माइनस 22, दिस 7 माइनस 22, सो -15, ठीक है, प्लस K cap into 4 माइनस, दिस इज 1 माइनस 4 1 माइनस 4, सो -3, कैन बी रिटन एज 6i + 15j एंड -3k, राइट। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2 हो गया। अब B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकाल लेते हैं, नीचे जरूरत पड़ेगी उसकी, तो मॉड निकालेंगे तो रूट ऑफ दैट इज द 36 + 225 एंड +9, राइट, तो 36 और 9 45, 225 और 45, प्लस 1 6 7 एंड दिस इज 270, तो दिस इज रूट 270, दिस इज वन वन थिंग, ये हम बाद में यूज करेंगे।
और जो सेकंड काम करना है हमें वो ये करना है कि न्यूमरेटर में जो ए टू माइनस ए वन है, ए टू माइनस ए वन क्रिएट कर लेते हैं, ए टू माइनस ए वन वैक्टर बना लेते हैं इसमें से इसको माइनस करने का। सो ए टू माइनस ए वन, सो माइनस थ्री दिस विल गिव द माइनस सिक्स, और उसके बाद में देगा माइनस सेवन माइनस एट, सो माइनस फिफ्टीन, राइट, एंड दिस इज सिक्स माइनस थ्री दैट इज थ्री, ये हो गया है आपका ए टू माइनस एवन। अब जो वर्कआउट करना होता है वो होता है कि न्यूमरेटर में ए टू माइनस एवन का इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करना होता है बी वन क्रॉस बी टू से। तो ए टू माइनस एवन हमारे पास में है, ए टू माइनस एवन, ए टू माइनस, चाहे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ये सबकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, सबको पता होता है कैसे करना है। माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन, और यहाँ पे मिली वैल्यू थ्री, और ए टू माइनस एवन का डॉट प्रोडक्ट होना है इस वेक्टर के साथ में। सो आई एम डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं ए टू माइनस एवन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू हमने ये वेक्टर बनाया और ए टू माइनस ए वन ये वैक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्ट माइनस 36 लिखेंगे, और 15 15 जा माइनस 225, राइट, और माइनस का ना है, तो ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो अगेन दिस इज माइनस 45 एंड माइनस 270, दिस विल बी माइनस 270, ठीक है। तो वैल्यू लिख लेंगे इसकी, इसको हमने बी वन क्रॉस बी टू निकाला और ये डॉट प्रोडक्ट निकाला माइनस 270, ठीक है। तो देयरफॉर ए टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू जो आपने निकाला है, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय बी वन क्रॉस बी टू का मॉड एंड टोटल मॉड। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो माइनस में आई थी 270, तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, और ये वाली वैल्यू जो है बी वन क्रॉस बी टू की, बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू, बी वन क्रॉस बी टू वैल्यू, सो दैट आई हैव टेकन द रूट हियर, ओके, यस, यहाँ पे रूट टू सेवेंटी आएगा, रूट टू सेवेंटी आएगा, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है रूट टू सेवेंटी बनेगी, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दिस इज द थ्री थ्री स्क्वायर इंटू टेन, दिस इज थ्री इंटू टेन 30, राइट, तो एक थ्री आ जाएगा, थ्री रूट 30 आंसर है, थ्री रूट 30, कैन यू चेक द थ्री रूट 30, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट यार, राइट, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, थ्री रूट 30। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते गाइस, देखिए नेक्स्ट क्या है, एंड दिस द 7th of January 2020 का जेई मेन का क्वेश्चन है। इफ क्यू पॉइंट क्यू गिवन है 5/3 7/3 17/3 इज अ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन, राइट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गिवन है एंड इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो पॉइंट इज गिवन, दिस पॉइंट इज अ पी पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज 103 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है, तो मीन्स दिस इज द, लेट्स से क्यू इज गिवन, दिस पॉइंट इज गिवन, तो क्यू ही है, क्यू ही लेट किया उसने भी, 5/3 7/3 और 17/3, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑन टू द लाइन, एंड अ लाइन एल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस अल्फा 7/1, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो ये लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रही थी, ये पॉइंट और कहीं हम प्लेस कर देते हैं, लेट से दिस पॉइंट इज अ आर पॉइंट विच इज ऑन दिस लाइन, एल इक्वल टू जीरो लाइन पे ही है, लेकिन ये और कहीं पे, थोड़ा इधर रखना, अल्फा 7/1 रख देंगे, ठीक है। नाउ सारी चीजें विजुअलाइज हो गई, आपको दिख रहा है कि जो पी क्यू है, पी क्यू के डी आर निकालेंगे, और ये लाइन के डी आर आपके आर क्यू से निकल जाएंगे, इसके डी आर निकल जाएंगे, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, राइट, सो विल राइट द कंडीशन, एंड दैट इज 5/3 माइनस वन, 5/3 माइनस वन, इसके डी आर हो जाएंगे 5/3 माइनस वन, एंड 7/3 7/3 17/3 माइनस थ्री, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पी क्यू वैक्टर, तो दैट इज 2/3 7/3 एंड दैट इज
17 माइनस 9, 17 माइनस 9 इज 8 बाय 3, राइट। पी क्यू के डी आर्स मिल गए, एक मुझे आर क्यू के डी आर्स रिक्वायर्ड है, तो आर क्यू के जो डी आर्स है वो बना लेते हैं 5/3 माइनस अल्फा, 5/3 माइनस अल्फा, 7/3 माइनस 7, 7/3 माइनस 7, राइट, एंड 17/3, 17/3 माइनस 1, ये इसके हो गए, तो उसको लिख सकते हैं 5-3 अल्फा बाय 3, 5-3 अल्फा बाय 3 एंड 7-21, राइट, 7-21 मीन्स माइनस 17, ठीक है ना, सॉरी 14, 14, तो दैट इज द 14, 14 माइनस 14 बाय 3 एंड दैट इज द 17 माइनस 3 इज 14 बाय 3, राइट। ये चीज हम निकलेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है, जो पी क्यू है, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, तो यू कैन राइट द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है 5-3 अल्फा बाय 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5-3 अल्फा बाय 3 इज 2/3, 2/3 क्लियर लिखना है, राइट, एंड माइनस 14/3, माइनस 14/3 इंटू 7/3 प्लस 14/3 इंटू 8/3 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपको वैल्यू दे देगा। नीचे सब जगह 9 एंड 9 उड़ा दीजिए, पूरा 9 खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, 2 भी हटा देता हूँ मैं, एक 2 2 से और कैंसिल कर देता हूँ, 5-3 अल्फा एक 2 से और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 7 जा माइनस का 49 आफ्टर डिवाइडिंग बाय द 2 और 7 इंटू 8 56, ठीक है, ये नेगेटिव है एंड इक्वल टू 0, 5-3 अल्फा एंड दैट इज द प्लस 7 इक्वल टू 0, तो दैट इज द 3 अल्फा इक्वल टू 12, 3 अल्फा, अल्फा इज 4, अल्फा 4 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए था, अल्फा इज 4, राइट, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो ही नीड्स द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा डायरेक्टली वी कैन से, सो देयरफॉर द आंसर इज 4, अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी, राइट।